हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे चेयरमैन स्टार फ्रॉम जयपुर मिस्टर रवि के शर्मा जी को, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पे, है ना, यानी कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं उनके पेज पे आके कुछ टिप्स लोगों को दे सकूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, शुरू करने से पहले क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? क्योंकि अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करोगे कि यस सर आपकी आवाज एकदम बिल्कुल ठीक आ रही है, तो देन वी कैन स्टार्ट द सेशन राइट अवे, है ना। तो बस शुरुआत में मुझे ये जानना है आपसे, क्या मेरी आवाज एकदम ठीक आ रही है आपको? हाँ जी, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। जैसे ही आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे यस आ रही है आवाज, तो वी विल स्टार्ट द सेशन वेरी सून, है ना, क्योंकि आज का सेशन 11 बजे का और काफी लोग आ चुके हैं। तो आई वुड वेलकम यू ऑल, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग वो हैं जो वक्त से पहले यहां पे आ चुके हो। हाँ जी, पंकज त्यागी जी, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी आवाज एकदम क्लियर है, तो पिक्चर क्वालिटी में कहीं कुछ आपको लग रहा है डिस्टरबेंस वगैरह, तो वो भी मुझे आप लोग बताइए कि कहीं पिक्चर में कहीं कोई जर्क्स नजर आ रहे हैं या कोई आपको डिस्टरबेंस वगैरह आ रहा है, तो ये भी अगर आप लोग मुझे बता दोगे तो मुझे एडजस्ट करने में समय मिल जाएगा मुझे। तो मुझे आप लोगों से जानना है क्या मेरी आवाज और मेरी पिक्चर क्वालिटी ये दोनों एकदम बराबर है। हाजी, तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जैसे ही आप लोग मुझे यस बोलेंगे, हम आज का सेशन शुरू कर देंगे। ओके ओके फाइन फ्रेंड्स, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ओके सुरेश शर्मा जी, गुड एमसी, फैंटास्टिक। तो सुरेश जी, मेरे को जानना है मेरी आवाज एंड पिक्चर क्वालिटी दोनों परफेक्ट है? बिकॉज फेसबुक लाइव में कभी कभी आप लोग के फेस तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए ताकि मैं अपना सेशन। हाँ जी, तो किसी ने मुझे बताया था कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो एग्जैक्टली यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मेरा पिक्चर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये मुझे आप लोगों को बताना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी 2 मिनट का समय दे रहा हूं। इन 2 मिनटों में आपने शेयर पार्टी, वॉच पार्टी, ये सब शुरू कर देनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉच पार्टी आप शुरू कर सकते हो। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद है कि आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा वॉच पार्टीज तैयार कर लो, अपने पेज को शेयर कर लो, इस पेज को आप शेयर कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना शुरू करो। तो फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा वॉच पार्टी बनाना शुरू करिए। अभी मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मैक्सिमम वॉच पार्टीज आप स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट इस सेशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डालिए वॉच पार्टी बना के, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, और अगेन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? राहुल शर्मा जी, हाँ जी, क्या मेरी आवाज क्लियर, एकदम क्लियर कट आ रही, राइट, फैंटास्टिक। वॉच पार्टीज आप लोगों को बना के रखनी है, क्योंकि वॉच पार्टी के बिना आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है डुप्लीकेशन। आप अकेले सीखो इससे कोई फायदा नहीं, आपकी टीम कितनी सीखेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आज आप लीडर हो, आप आए हो इस पेज पर, लेकिन आपकी टीम कैसे इस पेज पर ज्यादा से ज्यादा आ सकती है। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वॉच पार्टी शुरू करिए। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन। यस सैनी जी, यस गुड एमसी, श्वेता शर्मा जी, यस शुरू करते हैं हम लोग बहुत जल्द, बस 1 मिनट में हम लोग आज का सेशन शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी लोगों के पास नोटिफिकेशन थोड़े लेट पहुंचते हैं। मैं नहीं चाहता कि आज का सेशन कोई भी मिस करें। फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है, चलिए हम लोग ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वी विल स्टार्ट विद द सेशन। फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है, 3 लोगों को टारगेट किया गया है, 3 कैटेगरी जिनको टारगेट किया गया है। पहला, जो यूथ यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान इज ए यंग कंट्री कहा जाता है,
हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आबादी पीपल बिलो द एज ऑफ 25। जी हाँ फ्रेंड्स, पीपल बिलो द एज ऑफ 25 में यहां हिंदुस्तान की 50% आबादी, यानी कि इसको यूथ कंट्री कहा जाता है। और हम अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान का भविष्य, किसी भी देश का भविष्य उसके यूथ के मजबूत कंधों पे होता है। तो आज हमारा देश 50% से ज्यादा 25 के बिलो है, 65% 35 के बिलो है, जो कि एक वर्ल्ड एवरेज से, मैं आपको एक वर्ल्ड एवरेज बताता हूं। वर्ल्ड एवरेज अगर हम बात करें चाइना की, एवरेज जो पॉपुलेशन का बात करें यूथ की, तो चाइना में जो एवरेज एज जो बन के आती है 37, जापान 48 एंड इंडिया 50% पॉपुलेशन बिलो 25 एंड 65% पॉपुलेशन बिलो 35। यस, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, क्यों आज वर्ल्ड वाइड सारे लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमको आज ये समझना होगा कि यूथ का पावर क्या है। तो आज हमारा जो सेशन है स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट्स, यूथ, डॉक्टर्स एंड नेटवर्कर्स, हम एक एक करके तीनों को बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यूथ को टारगेट करेंगे। नंबर दो जो हम बात करेंगे डॉक्टर्स के लिए बात करेंगे, और नंबर तीन, क्योंकि आप सभी लोग डेफिनेटली आप वक्त से पहले आए हो, यानी कि मैं 100% बोल सकता हूं कि आप लोग नेटवर्कर हो। हाजी मनाली जी, गुड एमसी, क्या बात है, आपका गुड अधिकार है। श्रेया जी, सुपर। मेरी आवाज में कहीं गड़बड़ हो तो मुझे थोड़ा नोटिफिकेशन करते रहिए, क्योंकि मैं बस सेशन अभी अपना मेन शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर मेरी आवाज या मेरी पिक्चर क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ है तो मुझे अभी आप लोग इंटीमेट कर सकते हो, मुझे आप लोग बता सकते हो कि यस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक राइट अवे। मेरी आवाज एकदम क्लियर है, क्योंकि अभी मैंने, कई लोग मुझे बोलते सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो मुझे थोड़ा आप लोगों से जानना है। फैंटास्टिक, यस राजा कुमार जी, एक्सेलेंट, ओके, शैल वी स्टार्ट, एवरीथिंग क्लियर। दिनेश सोलंकी जी, गुड एमसी, यस बिल्कुल, मैं अभी तो आप सबके कमेंट्स देख पा रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फ्रेंड्स मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं, हाँ जी फैंटास्टिक। राहुल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बस इसी कमेंट का इंतजार कर रहा था कि वीडियो एंड ऑडियो दोनों क्लियर है। यस सुपर, थैंक यू वेरी मच राहुल जी। अब कोई डिस्टर्बेंस, विदाउट कोई विलंब किए, वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। लोग बोलते हैं कि सर वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो हाँ जी मनाली जी थैंक यू, तो लोग बोलते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बोलता हूं वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज का जो मेरा शीर्षक है वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, आप मुझे पूछते हो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। यस, तो आज इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा, बुक पेन लेकर बैठिए, मैं आपको अंत तक जाते जाते इस बात का यकीन दिला दूंगा, और आप भी मेरे साथ बोलोगे कि यस व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि दुनिया में अभी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी आपकी मेरी बात को प्रूव करने वाला हूं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, सब सीधे हम लोग आज टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग वैलेंटाइन डे, डॉक्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, चॉकलेट डे, टेडी डे बहुत मनाते हैं। क्या पता है आज को, आज आज कौन सा दिन है? आई वॉज शॉक्ड जब मैं थोड़ा अपने टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, तो आज मुझे पता चला कि आज पता है कौन सा दिन है, गरीब दिवस। ओ माय गॉड, गरीब दिवस, कैन यू इमेजिन, ऐसा भी कोई दिन होता है गरीब दिवस? फ्रेंड्स 28 जून इज अ गरीब दिवस, सोचिए। देन व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे जिसकी सोच नेटवर्क मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, जिसके बेसिक फाउंडेशन में है आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री चीख चीख के बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार योजना, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आत्मनिर्भर भारत, कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, जॉबलेस भारत, जॉबलेस भारत। जी हां फ्रेंड्स, तो आज गरीब दिवस, मेरी पूरी ऊपर वाले से दुआ रहेगी कि ऐसा कभी ना हो कि हमको वो गरीब दिवस मनाना पड़े फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत शानदार विकल्प है। मैं आपको अभी मेरी बात को प्रूव करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस उसको कहा जाता है जिसमें कोई भी रिग्रेट ना हो, यानी कि जिसमें कोई पछतावा ना हो। हम सब जिंदगी भर हम जीते हैं, और जब हमारी मौत नजदीक आती है तो एक वर्ड हम सबके पास होता है, काश यार, काश
मैंने उसको बोल दिया होता, काश मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता, काश मैंने उस बिजनेस के लिए हाँ बोल दिया होता, काश मैंने मेरे रिश्तेदारों की बात ना मानी होती, काश मैंने मेरे घर वालों के प्रेशर में उस वक्त ना गिव अप किया होता, तो साला आज जिंदगी मेरी कुछ और ही हो सकती थी। दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ रिग्रेट। ये जब हम डेथ बेड पे होते हैं उस वक्त हमको ये वर्ड काश, तो फ्रेंड्स पता है क्यों ये वर्ड आता है फ्रेंड्स? ये वर्ड काश ही हमको आकाश छूने से रोकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, काश हमको आकाश छूने से रोकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी नहीं चाहते हो कि मरते वक्त आप भी ये वर्ड बोलो कि काश मुझे भी किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग बताई होती, क्योंकि फ्रेंड्स आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हो जिन पे ऊपर वाले की ही कृपा के साथ साथ सारे के सारे नवग्रहों की कृपा बनी हुई है। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है। यू आर द फॉर्चुनेट वंस चोजन बाय गॉड। यस, तो हम पर सारे के सारे नवग्रहों की कृपा है। मैं आपको बताऊंगा मेरे पॉइंट्स पे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी एक लाइफ ऑफ रिग्रेट नहीं जीना चाहते तो आज से ये वर्ड काश, काश इसको छोड़ दिए। पता है लोग काश क्यों बोलते हैं? एक ही कारण है, डर। डर, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो नारी हूं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे ससुर क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप इसका जो मैं मेरे प्रोस्पेक्ट को आप जरा इसको प्लान समझा दीजिए, आप इसको प्लान समझा दीजिए, इसको इसको आप है ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में समझा दीजिए, ये शायद आपके समझाने से समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बहुत 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 स्ट्रांगली ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को समझाने से उसके बाद समझ में आती है तो यू आर मिस्टेकन। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को समझा सकता है। नो फ्रेंड्स, हम अभी उतने ज्ञानी नहीं हुए कि हमारे समझाने से कोई समझ सकता है। वी कैन ओनली इंस्पायर पीपल, है ना, आपको इंस्पायर करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। जी हाँ फ्रेंड, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। रावण दुनिया में सबसे ज्यादा अकलमंद इंटेलिजेंट व्यक्ति, जब उसकी मति भ्रष्ट हो गई तो आपको पता ही है उसकी कैसी दुर्गति हुई है, राइट? कौरव लोगों ने किससे सलाह मशविरा किया, जब उनकी मति भ्रष्ट हुई तो उनकी गति कैसी हुई, या उनकी गत कैसी, उनकी दुर्गति कैसे हुई, ये इतिहास प्रमाण देता है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको भी, यदि आप किसी यूथ को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी डॉक्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंड्स समझाने की कोशिश मत करिए। आप केवल उसको इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करिए, मोटिवेट मत करिए फ्रेंड्स, उसको केवल इंस्पायर करने की बात करिए। क्योंकि अगर किसी से समझाने से ये बात बनती तो फ्रेंड्स क्या बात थी? क्योंकि जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको दुनिया में आज तक कोई नहीं उठा पाया है। आई एम श्योर ये बात आप लोग मेरी एग्री करेंगे। कई लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कई लोग तो जाग चुके हैं। और सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़ आ रहे हैं। फ्रेंड्स ये कमेंट्स जारी रखिए, मैं सबके जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा है सेशन के अंत में मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। क्यों फ्रेंड्स, आपकी गति आपकी मति पे डिपेंड करती है। आप जितने भी नेटवर्क अभी जितने कमेंट्स कर रहे हो, आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है और आप लोग उस रास्ते पे चल पड़े हो, है ना? तो आप लोग को मेरी तरफ से एक हैट्स ऑफ है कि आपको समझ में आ गई है बात। वरना आज दुनिया में कितने मारे मारे पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड ओवर इंटेलिजेंट लोग, फ्रेंड्स हमारे देश की विडंबना यही है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं दे आर फुल ऑफ डाउट्स, और जितने पढ़े लिखे नहीं है दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, पढ़े लिखे लोगों की लाइफ में डाउट्स के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डाउट डाउट डाउट। उनके पास जब भी कोई मौका आता है तो वो डाउट की तरह देखते हैं। तो फ्रेंड्स यही विडंबना, जितने भी स्टार्टअप कल्चर, जितने भी यूथ कल्चर हम बात करते हैं, स्टार्टअप क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं अभी पहला सेशन मेरा यूथ पे ही है, तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अभी काफी लोग यूथ, युवा हिंदुस्तान में जो करंट आंकड़ा है 13 करोड़ लोगों का जॉब जा चुका है। फ्रेंड्स 13 करोड़, कैन यू इमेजिन, 13 करोड़ लोगों का जॉब जा चुका है, 13 करोड़ परिवार रस्ते पे आ चुके हैं ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स। और जिस स्थिति में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन और कम से कम दिसंबर तक ये खत्म होने वाला नहीं है। कैन यू इमेजिन कितने लोग बेरोजगार होने वाले हैं,
पढ़े लिखे लोग, आप देखिए पेपर में आवेदन, आजकल तो नौकरियां निकल कहां रही है, नौकरियां जा रही है। कई लोगों को तो 3-4 महीना उन्होंने, उनके बॉस ने 50% सैलरी पे काम चला लिया, अब आने वाले 3-4 महीनों में उनका जॉब भी जाने वाला है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको आंकड़े बता रहे फ्रेंड। 13 करोड़ लोग जॉब खो चुके हैं, आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है। तो यदि आज आपने मेरी ये बात को ध्यान से अगले 1.5 घंटे के लिए सुन लिया तो हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ जाए, एंड मे बी आप एक निर्णय लेना चाहो। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी बात समझ में थोड़ी बहुत आ गई है तो उस व्यक्ति से जरूर मिलना जिसने आज आपको इस फेसबुक पेज की लिंक दी है, जिसने आपको यहां पे आमंत्रित किया हुआ है कि ये सेशन को आप अटेंड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसी मति वैसी गति, है ना। तो फ्रेंड्स, यूथ, यंगस्टर्स, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, यस, कि यूथ को क्यों करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये टॉपिक लेते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हिंदुस्तानी हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। मुझे, मैं सोच रहा था कि यार आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री जी ने बताया हुआ है, मैं जो काम कर रहा हूं मैं इस मिशन को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं इस आत्मनिर्भर भारत में अपना क्या योगदान दे सकता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, अच्छे दिन केवल मोदी जी नहीं लाएंगे, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हम सबका फर्ज है। तो मैं इस आत्मनिर्भर भारत में कैसे अपना योगदान दे सकता हूं, और मैं अभी जो काम कर रहा हूं वो हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत में क्या कहीं कंट्रीब्यूट करता है। मैं बहुत गौर से अध्ययन कर रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि वी आर इनटू द राइट इंडस्ट्री। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जब आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा, और डायरेक्ट सेलिंग ये आत्मनिर्भर भारत को कैसे हेल्प करेगा, मैं अभी उसके कुछ आपको बेनिफिट बताने जा रहा हूं कि हाउ कैन डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट, चाहे आप यूथ हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, 5 चीजें आपके लिए, ये सबके लिए कॉमन है। क्योंकि मैं फ्रेंड्स अभी एक मिशन की बात कर रहा हूं, मैं अभी किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिशन की बात कर रहा हूं जो हमारे आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लिया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत, और हम डायरेक्ट सेलर्स कैसे इस आत्मनिर्भर भारत को सफल बना सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, यस, पॉइंट नंबर 1 पे कि डायरेक्ट सेलिंग जो बात करते हैं, 5 ही चीजें चाहिए होती है, चाहे आप युवा हो, डॉक्टर हो, यूथ हो, स्टूडेंट हो, 5 ही चीज चाहिए आपको। नंबर 1, अवसर, अपॉर्चुनिटी। यस फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आज जॉब जा रही है, तो जॉब जाने के बाद दूसरा विकल्प क्या है, आप अवसर की तलाश में हो कि यार मेरी नौकरी तो चली जा रही है तो अवसर कहां है, अवसर है कहां पे जनरेट हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, क्या लगता है कोई भी व्यक्ति क्या आपको नौकरी देगा, अवसर तो क्या अवसर है या अवसर खत्म हो रहे हैं, तो अवसर कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, फिक्की की मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, 2025 तक उनका जो आंकड़ा है 1.80 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग डायरेक्ट सेलिंग में 2025 तक जुड़ने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये आंकड़ा प्री कोरोना का है, लेकिन पोस्ट कोरोना की मैं बात करूं, मैं जहां तक मैं देख रहा हूं, ये आंकड़ा 2025 तक 3 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अवसर की कमी, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अवसर है जो हर स्टूडेंट देखना चाहता है, हर स्टूडेंट, हर यूथ, हर युवा चाहता है। मैं डॉक्टर्स की भी बात करूं, मैं स्टूडेंट्स की भी बात करूं, मैं जॉब की भी बात करूं, मैं अभी एक छोटी सी, हाँ जी, सुपर कूल हमारे एम्बेसडर स्टार धुआंधार बैट्समैन, क्या बात है, फैंटास्टिक, हमारी अफरीन मेमन जी जबरदस्त, राजन जायसवाल जी जबरदस्त, विक्रम जी सुपर डुपर, हाँ जी। चलिए फ्रेंड्स, अवसर की बात कर रहे थे हम लोग, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से इसको समझाना चाहूंगा। एक डॉक्टर की नियुक्ति, एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था, एक डॉक्टर की नियुक्ति एक पागलखाने में हुई, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर था, उसको जॉब मिली है वहां पे, तो वो जब साइकेट्रिक मतलब मेंटल हॉस्पिटल में जब जा रहा था चक्कर मारने के लिए, तो वहां पे उसकी पहला पागल चिल्ला रहा था अंजलि 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 अंजलि। तो डॉक्टर बोला, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है, अंजलि अंजलि क्यों चिल्ला रहा है? तो बोला, फ्रेंड्स अंजलि ने इसको छोड़ दिया,
इसलिए उसके गम में पागल हो गया। तो बोला चलो कोई बात नहीं, मे भी लड़की जब छोड़ के चली गई है तो हो सकता है वो पागल हो गया होगा। थोड़ा आगे जाता है राउंड पे और फिर दूसरा पागल भी चिल्लाता है अंजलि अंजलि अंजलि। अरे ये क्या लफड़ा है, उसको तो अंजलि छोड़ गई, ये तो समझ में आया वो अंजलि 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 चिल्ला रहा है, ये क्यों अंजलि अंजलि चिल्ला रहा है। तो उसका वार्डन उसको बोला कि फ्रेंड्स इसकी अंजलि से शादी हो गई थी। अब डॉक्टर चिंतित हो गया, यार ये समझ में नहीं आया, उसको अंजलि छोड़ गई ये तो समझ में आया कि पागल हो गया, लेकिन इसकी तो अंजलि से शादी हुई है ये भी पागल हो गया। अब आप सोचोगे ये कहानी कहां से आ रही, किसका रेफरेंस कहां पे है। फ्रेंड्स ये कहानी उन हर व्यक्ति के लिए है जो जॉब में है। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉब जिसको छोड़ के जा चुकी है, जिसकी जॉब छूट गई है वो भी पागल हो गया है, और जिनके पास जॉब है आज वो भी किसी पागल से कम नहीं है। एक जॉब में होते हुए भी लगातार लगातार रिज्यूमे अपने अपलोड करते रहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। वर्ल्ड एवरेज है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 7 times नौकरी बदलता है। तो फ्रेंड्स जिसकी शादी अंजलि से नहीं हुई वो भी पागल, जिसकी शादी हुई वो भी पागल। तो फ्रेंड्स यही हाल है आज के जॉब का। फ्रेंड्स जॉब को मैं अगर अदर शब्दों में कहूं तो जूस ऑफ द बॉडी। यस जॉब मतलब जूस ऑफ द बॉडी, आपको पूरा निचोड़ लिया जाता है, आपकी काबिलियत जो है, आपकी वैल्यूएशन जो है उससे कहीं गुना कम रुपए में आप लोग काम कर रहे हो, राइट। तो अंडर वैल्यूएशन में आप काम कर रहे हो, जॉब इज नथिंग बट जूस ऑफ द बॉडी। एक गन्ना जैसे मशीन में जाता है उसका पूरा जूस निचोड़ दिया जाता है, वही सेम जॉब में भी होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं अपॉर्चुनिटी है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहला जो हमने बताया था आत्मनिर्भर भारत में अपॉर्चुनिटी ऑन, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग भी आपको करनी है तो पहले आपको साइंस साइड से पढ़ना पड़ेगा। आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी लगती है। यानी कि आप ऐसे ही डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी अगर लेनी है, आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए उतनी काबिलियत पहले आपको बनानी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, चाहे आप लेडी हो, चाहे आप 60 साल से ऊपर हो, चाहे आप 70 साल से ऊपर हो, चाहे आप एक युवा हो, डॉक्टर हो, अंगूठा छाप हो, काले हो, गोरे हो, देहाती हो, शहर में रहते हो, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लगता है फ्रेंड्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी। मुझे एक अगर आपके पास है मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि यस इस क्षेत्र में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओनली माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगेन मेरा सवाल जब लोग पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो मेरा जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, ऑल आर वेलकम। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप आज परेशान हो, चाहे आपकी जॉब है, जॉब चली गई है, या आपकी तलवार लटकी हुई है कि यार शायद मेरा जॉब जा सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है जिससे कि आप आत्मनिर्भर भारत मिशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नंबर दो, आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बना सकते हैं, नंबर दो पॉइंट है ग्रेट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अभी अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में हो, आप नौजवान हो, अभी अभी आप आए हो, तो फ्रेंड्स यहां पे ग्रेट लर्निंग, आपको बहुत सारी लर्निंग दी जाती है। फ्रेंड्स युवाओं में बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है, तो डायरेक्ट सेलिंग उनकी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर चैनलाइज करने का बहुत सुंदर माध्यम है फ्रेंड्स। तो एक चैनलाइज राइट डायरेक्शन में करने के लिए एक लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटी एक उदाहरण देता हूं। स्कूल की लर्निंग हमको सिर्फ नौकरी या हमको सिर्फ नौकर बनना सिखाती फ्रेंड्स। स्कूल की लर्निंग हमने जो सीखा है, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा, कॉस थीटा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उस इंफॉर्मेशन से क्या हमको पैसा मिलने वाला है? क्या आपको नौकरी, आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया था? आपको पता है शिवाजी ने लड़ाई कब लड़ी थी? आपको पता है कि फलाना भारत आजाद कब हुआ था? इससे कहीं भी आपको सैलरी में कोई बढ़ोतरी मिलती है? क्या ये इंफॉर्मेशन आपके प्रैक्टिकल जीवन में कुछ काम की है? राइट, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसकी इतनी बीवियां थी, उसने इतनी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी थी? उस इंफॉर्मेशन का साइन थीटा, कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम मुझे बताइए, ये केवल आपको एक नौकर बनने की मानसिकता तैयार करने के लिए, प्रैक्टिकल जिंदगी में ये इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली
कोई भी एजुकेशन का जो अल्टीमेट गोल हमारा जो होता है, आज हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और अच्छी नौकरी मिलने के बाद अच्छी छोकरी मिल सके। तो फ्रेंड्स याद रखना है, पढ़ाई का आज का जो मकसद है वो केवल नौकरी पाना है। तो फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल आपको सिखाती है, जो आपको सिर्फ सिखाती है कि पैसे कमाने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए आपको, कैसे हम बातचीत करना है, कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे हम लोगों से बात करें, ये सारी लर्निंग नेटवर्क मार्केटिंग आपको देती है। फ्रेंड्स स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेट लर्निंग मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जो कॉलेज में इतना जो पढ़ाई कर रहे हो, लाखों रुपए का स्टूडेंट्स लोन लेते हो, लोन लेके अपने फादर के पैसों से आप पढ़ाई करते हो, इतना 15 साल 20 साल आप पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी मिलती है। फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग में आप सीखते सीखते पैसा भी कमाते हो। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज की जो युवा है यूथ के मेरे को एक ही बात बोलती है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स टाइम नहीं है, अब मैं उन सब लोगों को बात कर रहा हूं जो युवा मुझे कहते हैं सर हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। फ्रेंड्स मुझे युवाओं पे एक छोटा सा, अगेन मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है, शायद काफी लोगों को पता है, मैं इस फिल्म के डायलॉग बार बार बोलता हूं, अगेन उसी फिल्म का एक डायलॉग, फिल्म शोले फिल्म का एक डायलॉग आपको सबको याद होगा, जेलर जो था उसमें, असरानी है ना जेलर, उनका एक फेमस डायलॉग, जब वो जेल में जाते हैं और सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि सिपाहियों आधे इधर जाइए बाकी मेरे पीछे आइए। तो फ्रेंड्स यही डायलॉग सारे यूथ पे लागू होता है कि आज के जो युवा है जो ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो जॉब में बिजी हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, एमबीए कर रहा हूं, तो उनके लिए ये डायलॉग था कि आधे पबजी टिकटॉक पे आपको दिखेंगे और आधे आपको व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे दिखते हैं बाकी युवा, क्योंकि आज का युवा कंफ्यूज है। फ्रेंड जब मैं डॉक्टर बना था आज से 25 साल पहले, तब हमारे पास चॉइस नहीं हुआ करती थी, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, बस ज्यादा तामझाम नहीं, आपने देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर। आज का युवा कंफ्यूज है, इतने सारे फील्ड्स है, आज का युवा कंफ्यूज है, और इसीलिए वो आधे युवा टिकटॉक पबजी पर दिखेंगे और आधे युवा आपको सोशल मीडिया पे दुनिया की लाइक्स लेने के लिए परेशान है कि मैं कौन सा पोस्ट डालूं कि लोग लाइक्स के पीछे भागे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जितने जवान लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने यूथ मुझे सुन रहे हैं, दे आर रनिंग बिहाइंड गर्ल्स। फ्रेंड्स गर्ल्स के पीछे मत भागो, गोल्स के पीछे भागिए, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट? गर्ल्स के पीछे नहीं, गोल्स के पीछे भागिए, आप देखो गर्ल्स आपके पीछे फॉलो करेंगी। ये मेरा मैसेज स्ट्रॉन्ग आज के युवाओं के लिए, रन बिहाइंड योर गोल्स। क्या है गोल्स आपके लाइफ का, उद्देश्य क्या है? क्या टिकटॉक बनाना, क्या पबजी खेलना, क्या फेसबुक पे सिर्फ अच्छी अच्छी सेल्फी डालना? क्या है आपका गोल आपके लाइफ में? हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ यूथ टू द नेशंस इकोनॉमी? हम बोलते तो है कि मेरा देश, मोदी जी ने क्या किया देश के बारे में? अरे तुमने क्या किया देश के बारे में? तुम तो खाली टिकटॉक वीडियोस बना रहे हो, तुम तो केवल पबजी खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो देश के लिए? तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या आपका फर्ज नहीं है हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनने में, कुछ योगदान देने में? अगर हां तो उस व्यक्ति से मिलना जिसने आपको ये शेयर किया है लिंक, वो आपको बताएगा, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ग्रेट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। थर्ड, बिल्ड स्किल्स एंड कैपेबिलिटी। फ्रेंड्स जो आपके रिज्यूमे में ऐड हो सकता है, आप लोग रिज्यूमे तो जाके देते हो, वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बहुत अच्छा लोगों से बात कर सकता हूं। फ्रेंड्स थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चलता यहां पे, हमने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग टॉप पे हैं, ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना ज्ञान का पोटला, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनके पास, क्योंकि स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ हमको केवल थियोरी सिखाती है, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे बातचीत करना ये हमको डायरेक्ट सेलिंग सिखाती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी को डेवलप होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग केवल पैसों के लिए नहीं करना है, ये बात आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग अगर पैसा आपका अगर कोर पर्पस है तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। डायरेक्ट सेलिंग पैसों के लिए कोर पर्पस नहीं होना चाहिए, आपकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटी को उभारता है। स्किल इंडिया
कोर फाउंडेशन जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की होती वो थी ट्रेनिंग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाती है। देखिए ये अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूं, जूम मीटिंग्स। आज इतने सारे हमारे धुआंधार लीडर्स जूम मीटिंग्स दे रहे हैं, पीटीएस, एलटीएस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, लगातार ट्रेनिंग्स 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 दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के अलावा दूसरा जो दूसरा स्किल और कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ऑन फील्ड ट्रेनिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला तो मैंने कहा कि ट्रेनिंग जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिलती है। दूसरी आपको ऑन फील्ड ट्रेनिंग मिलती है, आपका अपलाइन आपके साथ जाता है प्लान दिखाने के लिए, है ना। आपका अपलाइन यानी वो आपके साथ जाता है प्रोडक्ट दिखाने के लिए, आपका अपलाइन हाथ थाम के ऑन फील्ड ट्रेनिंग करवाता है। दुनिया में मुझे ऐसा कोई जॉब बता दो जहां पर यह होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको हाथ पकड़ के आपका अपलाइन आपको सिखाता है कि चल चल मैं तुझे कामयाब बनाता हूं। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सिस्टम। नंबर तीन, नेटवर्क मार्केटिंग में मेंटरिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। यस, आपको गाइडेंस है यहां पे। मुझे बताइए, ये जितने मुझे डॉक्टर्स सुन रहे हैं, जितने मुझे इंजीनियर सुन रहे हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने मुझे वकील सुन रहे हैं, आज हमने डॉक्टरी करी है, वकालत करी है, तो वो केवल खुद पैसा कमाने के लिए, ओनली फॉर माई सेल्फ। आप अगर अच्छे सफल डॉक्टर हो तो एक डॉक्टर आगे डॉक्टर कभी नहीं बना सकता, एक इंजीनियर आगे इंजीनियर कभी नहीं बना सकता, एक अच्छा वकील आगे वकील नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स, आपका नॉलेज, आपके स्किल सिर्फ तब तक जब तक आप जिंदा हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में यू गेट मेंटरिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। आपके सीनियर्स जो है, जो ये बिजनेस में आपके सीनियर्स हैं, वो आपको हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि चल मैं तुझे सिखाता हूं कैसे 1,00,000 रुपया कमाना है। आप जॉब में हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, क्या आपका सीनियर, क्या आपका बॉस, जो आपका सीनियर है, जो आप हो सकता है अभी क्लर्क हो, क्या आपका मैनेजर कभी उसने आके बोला कि चल मैं तुझे प्रेरणा देता हूं, चल तू कैसे मैनेजर बन सकता है, क्या आपके फील्ड में ऐसा कभी हुआ है? और यदि नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके ऊपर जो लाखों रुपया कमा रहा है वो आपको प्रेरित करेगा, प्रेरणा के साथ आपका हाथ पकड़ के आपको लेकर जाएगा कि चल मैं तुझे सिखाता हूं, चल मैं तुझे सिखाता हूं कि कैसे तू 1,00,000 रुपया कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, कर भला तो हो भला, द सुंदर सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग का डिजाइन है, कर भला तो हो भला। आप जिस भी धंधे में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, यूथ हो, आईआईएम, आईएम, आईबीएम, जहां से आपने पास आउट किया है ना, आईआईएम आप बोलते हैं मैं अहमदाबाद से किया है, मैंने आईआईटी से पास किया है, तो फ्रेंड्स आपका टैलेंट आप केवल अपने तक, आपका स्किल अपने तक, आप वो स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना आप किसी डॉक्टर को सिखाते हो, क्योंकि उसको अगर मैंने सिखा दिया तो उसकी प्रैक्टिस मेरे से ज्यादा चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये यहां पे नहीं होता, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट? जब इतने सारे आपको एडवांटेज में बता रहा हूं, व्हाई नॉट? यहां पे आपको अगेन मैंने कहा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलती है, ऑन फील्ड ट्रेनिंग मिलती है, रेगुलर मेंटरिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट। नंबर चार, यहां पे आपको एक एंटरप्रेन्योर कल्चर। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे आपको एंटरप्रेन्योर कल्चर, एक सेकेंड, राइट, हां, यहां पे आपको एक एंटरप्रेन्योर कल्चर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, आज का युवा, एक सेकेंड, शायद कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है, ओके, हाँ जी फ्रेंड्स, आज का युवा स्टार्टअप्स, कई हम लोग सुनते हैं कि यार इस युवा ने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे बताइए, स्टार्टअप कल्चर करने वाले ज्यादा से ज्यादा आईआईएम, आईआईटी वाले लोग, खूब सारा उनके पास नॉलेज भर के उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। व्हाई? व्हाई 90% आपके स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स? मैं आपको बताता हूं उसका मेन कारण, क्योंकि उनके पास केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। पीपल मैनेजमेंट फ्रेंड्स, आपको समझ, आपको मैं समझा दूं, बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिजनेस लॉजिकल होता है लेकिन पीपल इमोशनल होता है, एंड वी आर इनटू पीपल मैनेजमेंट बिजनेस। जी हां फ्रेंड्स, चाहे आपके स्टार्टअप फेल होने का एक ही कारण है, आपके पास थियोरेटिकल बिजनेस, आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप बिजनेस मैनेजमेंट सीख तो आए हो, लेकिन पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आप नहीं सीख पाए हो, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको
पीपल मैनेजमेंट स्किल सिखाता है। मैन टू मैन का बिजनेस है फ्रेंड्स, मैन टू मैन का बिजनेस है, हमको लोगों के पास जाना है। कई लोग मैं सुनता हूं कि अरे यार सेल्समैन का मतलब होता है कि एक बार उस गंजे को मैंने कंघा बेच दिया तो बस मैं एक गंजे को भी कंघा बेच सकता हूं। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे नहीं चलता है, हम यहां पे लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन में होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। यहां पे आपको एक एंटरप्रेनर कल्चर मिलता है वो भी कम कॉस्ट में। जी हाँ फ्रेंड्स, मुश्किल से 2-5 हजार रुपए में। मुझे दुनिया का एक स्टार्टअप का नाम बताइए जो 5 हजार रुपए में आप शुरू कर सकते हो। कोई भी एक स्टार्टअप का नाम अभी कमेंट में आप दे सकते हो मेरे को कि यस आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया विच वी कैन स्टार्ट इन 5,000 रुपीज। दुनिया का ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है उसको मिलना 5,000 नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 1,000 रुपया भी अगर आपके जेब में है यू कैन बी एन एंटरप्रेनर। यस एंटरप्रेनर कल्चर देता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। और जो एंटरप्रेनर कल्चर में जो स्टार्टअप्स लोग नहीं करना चाहते, आप यदि युवा हो, आप यूथ हो, आप स्टूडेंट हो, आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है और आप स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर रहे हो, उसके आपके पास 4 रीजन है। पहला कि आपके पास पैसा नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं ना सर मैं आइडिया तो बहुत है मेरे पास लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत आइडिया तो फ्रेंड्स पैसे नहीं है, दूसरा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, है ना। क्योंकि आज मैं परसों एक इंफोसिस के जो सीईओ है, इंफोसिस के चेयरमैन की मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं उन्होंने लिखा कि इस देश में पढ़े लिखे 95% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉय नहीं करने वाले कैटेगरी में है। यानी कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स भी दे आर अनएम्प्लॉयबल। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मैन टू मैन का एक्सपीरियंस देता है, आपको कलाकारी सिखाता है कि यस कैसे मैं बात करूं, पब्लिक स्पीकिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, गुड एट कम्युनिकेशन, लोगों से कैसे बातचीत की जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे किया जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज स्किल्स, ये सीखने के लिए लाखों रुपए के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, लाखों रुपए के इंस्टीट्यूट्स। फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, कई युवा कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फ्री दिया जाता है। यस कम्युनिकेशन स्किल आपका अपलाइन आपको सिखाता है बिल्कुल मुफ्त। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो, लोक व्यवहार कैसे किया जाए ये सीखना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बादशाह बनना चाहते हो, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में आपको सिखाया जाता है। दुनिया का ऐसा कोई भी धंधा नहीं है जहां पे ये सारी जो स्किल्स है वो आपको फ्री सिखाई जाती है। देन व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट डायरेक्ट सेलिंग। अरे यही चीज सोचिए, आप पैसों के लिए मत आइए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक युवा हो, आपको कॉन्फिडेंस लो है, आप डिप्रेशन में चल रहे हो, आप चाहते हो कि मैं मेरी बॉडी में ऊर्जा आ जाए, तो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें। फ्रेंड्स मैं सिर्फ पैसों का एंगल नहीं बता रहा हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, डजंट मैटर फ्रेंड्स। तो पहला जो युवा स्टार्टअप नहीं करना चाहता वो है उसके पास पैसों की कमी, नंबर 2 उसके पास एक्सपीरियंस की कमी। तो फ्रेंड्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप कॉलेज में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 2 साल बाद आप नौकरी जाने वाले हो, फ्रेंड्स ये 2 साल जो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो ना, 2 साल जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लोगे और जब आप 2 साल के बाद में अपनी जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, फ्रेंड्स आपका रिज्यूमे में आप देखना 4 चांद लग जाएंगे जब आपको ये बातचीत करने की कलाकारी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज आप सीख कर जब जाओगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप जब हो जाओगे, तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी धरोहर आप अपने इंटरव्यू में लेकर जाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स अगर आप आज सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो और 2 साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, तो हो सकता है 2 साल बाद जो आप नौकरी के लिए जाने वाले हो वो जाने की जरूरत ही ना पड़े। यस जाने की जरूरत ही नहीं पड़े क्योंकि आपको 2 साल में इसका पावर समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, तो आपको एक्सपीरियंस देगा, नो गाइडेंस। यस ज्यादातर स्टार्टअप्स क्या बोलते हैं कि यार मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मेरे तो पूरे खानदान में किसी ने भी बिजनेस नहीं किया है, मैं तो पहला ही, मेरे तो बाप दादा बहुत गरीब थे, मैं तो इतना गरीब खानदान से हूं कि अभी मेरे फोन में फ्लाइट मोड की जगह पे रिक्शा मोड है। जी हाँ फ्रेंड्स मैं इतना गरीब हूं कि बिजनेस का भी मेरे खानदान में किसी को नहीं पता है। तो फ्रेंड्स
ट्रेडिशनल उसमें आपको देर इज नो गाइडेंस, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भर भर के गाइडेंस मिलता है, आपका अपलाइन, उसका अपलाइन, मेंटरिंग, ट्रेनिंग्स, एरिया मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, फ्रेंड्स कितने लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए, मेंटरिंग करने के लिए तैयार है। तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट डायरेक्ट सेलिंग? आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? चलते आगे। मैं तो नौकरी नहीं छोड़ सकता, कांट लीव जॉब, मेरी तो नौकरी। तो फ्रेंड्स ये जो चार आपके जो डर है, पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं बिजनेस करने के लिए, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, तो आप सबको मैं गुड न्यूज दे दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये चारों चीजें नहीं चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो तैयार हो जाइए, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको गाइडेंस पूरा भरपूर मिलेगा, एक्सपीरियंस भर भर के आपको मिलेगा, हर एक बंदा आपको आगे बढ़ाने के लिए चलेगा, पैसों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कहते हैं ना कि जेब में गांधी हो ना हो, दिल में या सीने में आंधी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ वही लगता है, बर्निंग डिजायर टू एक्सेल, बर्निंग डिजायर फॉर मनी। तो आपके पास बर्निंग डिजायर होना बहुत आवश्यक है, राइट? मनी, मनी फ्रेंड्स, अक्सर लोग बोलते हैं पैसा ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पैसा जिसके पास, दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप डोनेशन करना चाहते हो, चाहे आप लोगों की मदद करना चाहते हो। ओहो डॉक्टर साहब, मैं तो लोगों की बहुत मदद करना चाहता हूं, मैं तो डोनेशन देना चाहता हूं। भाई साहब, डोनेशन आप तब दोगे जब आपके पास पैसा होगा भर भर के। आज तो अपनी हालत ऐसी है कि अपने को ही डोनेशन चाहिए, अपने को ही, हम रहमो करम पे है, हमको डर सता रहा है मेरी नौकरी चली गई तो। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉकडाउन 3 महीने हो चुके लॉकडाउन के, और 3 महीनों ने हम सबको हमारी औकात बता दी है। अगर ये 6 महीने और चला तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारा क्या हाल होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग आप, फ्रेंड्स पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच आ गया था, आई डोंट नो, बट कांट हेल्प इट। चलिए फ्रेंड्स, हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हमने पहले बात की थी अवसर की, कि आत्मनिर्भर भारत में नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 एक स्टूडेंट युवाओं के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ग्रेट लर्निंग हो सकती है, हमारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का एक माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग, एंटरप्रेनर कल्चर से आपका आपको आपको कहते हैं ना रूबरू कराता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको गाइडेंस बहुत मिलता है, और आपको यहाँ पे जॉब छोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास दिन में 1 घंटा है, 1 घंटा, जी हाँ फ्रेंड्स, आप पबजी चलाते हो, आप टिकटॉक चलाते हो, फ्रेंड्स सोशल मीडिया आप हफ्ते में कम से कम 10 से 15 घंटा यूज करते हो, ये 10 से 15 घंटे जो आप अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हो, यही अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उस व्यक्ति को जरूर मिलिएगा जिसने आपको यह वीडियो फॉरवर्ड किया हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको यह समझना पड़ेगा, आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है, जो आप टिकटॉक पे यूज कर रहे हो, पबजी खेलने में लगा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, गॉसिपिंग में लगा रहे हो, पार्टीज में लगा रहे हो, फ्रेंड्स आप जो मोबाइल लेके घूम रहे हो ना, ये 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का है, और डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने के लिए 1,000 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझनी पड़ेगी, है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत ही कम कॉस्ट में एक स्टार्टअप। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनते तो हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, मेरे पास भी बहुत आइडिया है। फ्रेंड्स आइडिया से कुछ नहीं होता, पीछे एक्सपीरियंस बहुत कुछ लगता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा कहते हैं ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा कि व्हाई स्टूडेंट शुड डू, या व्हाई यूथ ऑफ टुडे दे कैन डू पढ़ाई के साथ साथ। फ्रेंड्स पढ़ाई के साथ साथ जब आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ आप यूट्यूब यूज कर सकते हो, फेसबुक यूज कर सकते हो, टिकटॉक चला सकते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई के साथ साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ मैनेज हो जा रहा है, तो पढ़ाई के साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मैनेज नहीं किया जा सकता? फ्रेंड्स ये केवल बहाना है, केवल बहाना है। तो फ्रेंड्स बहाना देना बंद करिए, है ना, बहाना देना आपको बंद करना है। चलते हैं अगले उस पे के डॉक्टर्स को क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। यस,
क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, कई लोग मुझे पढ़ाई का बहाना देते हैं कि सर मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई में मैं कोई जॉब अब नहीं कर सकता, मेरे पास तो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फ्रेंड्स पढ़ाई मजबूरी में कभी नहीं होती, पढ़ाई मोहब्बत से होती है। जी हाँ फ्रेंड, दुनिया का कोई भी बिजनेस, चाहे आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए मजबूरी नहीं मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। क्यों दुनिया में? क्योंकि कई लोग मुझे मिलते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप तो बोलते हो ऐसा है वैसा है डॉक्टर फलाना, तो फिर सब लोग कामयाब क्यों नहीं हो जाते? आप इतना अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हो, आप इतना बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग इतना फायदा है, तो यार हर व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं हो जा रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप अगर डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप टीचर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जो भी हो, आपकी टीचर ने आप सबको समान अवसर दिया था, समान अवसर। जब आपका बच्चा फेल हो जाता है तो आप स्कूल को गाली देते हो क्या? है ना, आप स्कूल को गाली नहीं देते हो, आप टीचर को गाली नहीं देते हो, आप अपने बच्चे को बोलते हो मेरा बेटा तो बहुत नालायक है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था इसलिए फेल हो गया। तो फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग को गाली कैसे जब आप बोलते हो कि यार यहां तो लोग कामयाब नहीं होते हैं, तो जब आपका बच्चा फेल हो जाता है आप उस इंस्टीट्यूशन को गाली नहीं देते हो। सेम रूल नेटवर्क मार्केटिंग पे भी एप्लीकेबल है। तो यहां पे यदि लोग कामयाब नहीं होते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल की वजह से नहीं है, आपकी वजह से, आप खुद जिम्मेदार हो आपकी जो फेलियर के लिए। तो ये मेरा उन लोगों के लिए था जो ये बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते। तो फ्रेंड्स बॉलीवुड में इतने स्ट्रगलर आते हैं, क्या बॉलीवुड में सभी लोग कामयाब हो जाते हैं? नहीं। क्या LIC में जो काम कर रहे हैं क्या सारे लोग MDRT कर लेते हैं? आंसर है नहीं। क्या आपके इर्द गिर्द जितने भी डॉक्टर्स आपको दिखाई दे रहे क्या सारे डॉक्टर्स कामयाब है? नहीं। व्हाट इज द रीजन? तो सेम अप्लाइज टू नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो, सेम अप्लाइज टू डायरेक्ट सेलिंग ऑल्सो। फ्रेंड्स पढ़ाई अवसर सबके लिए समान है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। यहां पे कोई नहीं देख रहा कितना कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो फ्रेंड्स यहां पे अवसर सबके लिए समान है, आपके अंदर कितना पावर है ना, क्योंकि धंधा तभी बड़ा होता है जब बंदा बड़ा होता है। तो आपको एक बंदे को बड़ा करना है, धंधा अपने आप बड़ा। दुनिया का कोई भी कितना ही कीमती बिजनेस क्यों ना हो, उसको बेचने के लिए एक सेल्समैन चाहिए। हीरा कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसको भी बेचने के लिए एक सेल्समैन चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, यानी कि दम हीरे में नहीं, दम सेल्समैन में होना चाहिए। यस, सेल्समैन दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन जहां पे अपनी चाहतों के हिसाब से लोग जिंदगी जीते, सेल्समैन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते हैं अगर आपको सेल्स का फंडा समझ में आ गया। दुनिया के लोग जो गरीब है वो इसीलिए गरीब है क्योंकि उनको वही चीज से एलर्जी है जिस चीज से एक इंसान अमीर बनता है, सेल्स। मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो कुछ न कुछ बेच नहीं रहा है, चाहे किसी भी बड़े एक्टर का नाम ले लीजिए, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेच रहा है। और आप गरीब इसीलिए हो, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, क्योंकि आपको बेचने से एलर्जी है। बेचना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, बेचना तो पड़ेगा। बेच तो आज भी रहे हो आप अपना समय, आज अपना क्या आपको लगता है आप बेच नहीं रहे हो, आप बेच रहे हो अपना समय। 8 घंटा किसी और का सपना पूरा करने के लिए बेच रहे हो, वही 8 घंटा आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हो, 1 घंटा अपने सपने पूरे में लगा दो फ्रेंड्स, 5 साल में आपकी जिंदगी पलट जाएगी। फ्रेंड्स 8 घंटा किसी और के सपनों के लिए, 8 घंटे को बेचते हो, 1 घंटा क्यों नहीं अपने सपनों के लिए काम करते हो। वो टाइम जो आप टिकटॉक में लगाते हो, वो टाइम जो आप क्रिकेट खेलने में लगाते हो, वो टाइम जो आप गप्पे लड़ाने में लगाते हो, फ्रेंड्स सिर्फ 1 घंटा मांगता है ये बिजनेस, केवल 1 घंटा मांगता है। तो 1 आवर डेली, 1 घंटा में ये बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, उस व्यक्ति से मिलिए जिसने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है। तो फ्रेंड्स सिर्फ 1 घंटा, 8 घंटा बेचते हो किसी और के लिए, क्यों ना 1 घंटा अपने लिए आज से काम करना शुरू करें फ्रेंड्स, क्योंकि लाइफ मेरी है, सपने मेरे हैं। आज का युवा, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको एक चीज में फर्क समझ में नहीं आता है, नीड्स वर्सेस वांट, नीड्स वर्सेस वांट। उनको अगर हम युवाओं को पूछेंगे कि तुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं तो एक दिन मर्सिडीज लूंगा, मैं तो एक दिन BMW लूंगा। वांट यानी कि उसकी चाहत तो मर्सिडीज है, उसकी चाहत रोल्स रॉयस है, उसकी चाहत है स्विट्जरलैंड घूमना, यानी कि वांट। लेकिन काम क्या कर रहा है? नीड्स के लिए।
अरे यार मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो मेरा घर चल जाए, यानी कि चाहत उसकी मर्सिडीज है लेकिन काम कर रहा है नीड्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो बेसिक डिफरेंस है नीड्स वर्सेस वांट, इसका फर्क समझिए माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी लोग युवा यूथ यंग स्टूडेंट्स, ये फर्क अगर आज समझ में आ गया आप, आज का मेरे ट्रेनिंग लेने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नीड वर्सेस वांट है ना, तो नीड के लिए काम मत करिए फ्रेंड्स, वांट के लिए काम कर दिए। एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कल्चर, जो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ 1,000 रुपए में स्टार्टअप कल्चर देता है, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो 1,000 रुपए में स्टार्टअप कल्चर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता है। देन अगेन मेरा वही सवाल, लोग जो बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, तो अगेन मेरा जवाब है व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए मुझे बताओ, जब यहां पे एक्सपीरियंस नहीं लगता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जब यहां पे ज्यादा पैसा नहीं लगता है, यहां पे आपको एक्सपीरियंस नहीं लगता है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करनी चाहिए। यहां मैं अपने सपनों तक पहुंचने का मेरे पास ये व्हीकल है, प्लेटफॉर्म है, तो व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड। बात करते हैं फ्रेंड डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स, यस डॉक्टर्स, आप सब लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर सिंस 25 years, है ना, 25 साल मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में। तो अभी मैं जो आपको करंट एक सिचुएशन बता रहा हूं केवल डॉक्टर्स के लिए, तो अभी मेरा जो सेशन है फ्रेंड, मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं, आंकड़े कुछ बता देता हूं, ये बहुत शॉकिंग है, शायद आपको नहीं पता होगा ये स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमको लगता है कि डॉक्टर लोग उनको तो हेल्थ के बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, उनको जल्दी बीमारी नहीं आती है। तो मैं आज आपके सामने शॉकिंग स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम अगर वर्ल्ड वाइड एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बींग 67.9 years, हम उसको राउंड अप करते हैं, 68 साल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि 68 साल ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 68 साल तक जीवित रहता है। और जो हम सोचते हैं कि यार डॉक्टर लोगों को तो हेल्थ की बहुत नॉलेज है, वो लोग तो बिल्कुल फिट रहते होंगे, माय डियर फ्रेंड्स डॉक्टर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59 years, जी हां 9 साल एक डॉक्टर आम व्यक्ति से कम जीता है। इजंट दैट शॉकिंग, उसके पीछे उनका स्ट्रेसफुल लाइफ कंडीशन, 24 घंटा ऑन द कॉल, ऑन इमरजेंसी ड्यूटीज वगैरह, स्ट्रेसफुल कंडीशंस बहुत सारी चीज। और मैं आपको एक शॉकिंग बताता हूं, जितने भी दुनिया में प्रोफेशन है, जितने भी आप प्रोफेशन की बात करते हो, क्या आप जानते हो मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स ऑन एन एवरेज साल में 400 डॉक्टर्स सुसाइड से मरते हैं, 400 डॉक्टर्स सुसाइड। और पता है सुसाइड का नंबर वन कारण क्या होता है? डिप्रेशन, स्ट्रेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन में स्ट्रेस और सुसाइड नहीं होते हैं? सबसे ज्यादा जितने भी प्रोफेशन आप जानते हो, उसका एक ही कारण होता है कि उसमें जो डॉक्टर लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, 400 डॉक्टर्स ऑन एन एवरेज साल में सुसाइड करते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है। तो फ्रेंड्स ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रेस। आपको मैं और एक शॉकिंग चीज बता दूं, जो व्यक्ति जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, आप नोट करना, जो डॉक्टर जिस चीज का स्पेशलिस्ट है उसकी मौत उसी बीमारी से होती है। आप उठा के देख लीजिए गूगल में, जो व्यक्ति हार्ट स्पेशलिस्ट है उसकी मौत हार्ट अटैक से ही होती है। यस, वेरी वेरी शॉकिंग। जो डायबिटोलॉजिस्ट है उसकी मौत डायबिटीज से ही होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये शॉकिंग रिविलेशंस। अगर आप एक डॉक्टर हो, आज कोरोना काल की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, आज एक साइकोलॉजिस्ट है मिस्टर काल जंग, ये आपको बुक काम आएगी, इन्होंने एक किताब लिखी है द वुंडेड हीलर, हीलर यानी कि जो स्वस्थ करता है लोगों को, हीलर, द वुंडेड हीलर, ये किताब में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर्स दुनिया की जान बचाते हैं उनकी जान कैसे आफत में आती है। फ्रेंड्स आज कोरोना काल में जिसको हम गॉड कहते हैं, आज गॉड ने अपने सारे दरवाजे, सारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब बंद है, दुनिया का इस धरती के गॉड सिर्फ डॉक्टर्स ने भी अगर हाथ खड़े कर दिए होते तो हम इंसान का क्या होता, सोचना इस बारे में। यस द वुंडेड हीलर, आज डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक अपनी जान की परवाह ना करते हुए 31 डॉक्टर्स अब तक
जान गंवा चुके हैं, 31 डॉक्टर्स मर चुके हैं, पैरामेडिकल नर्सेस मर चुकी है, फ्रेंड्स किसी शहीद से कम नहीं है। आई सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स। अल्टीमेटली रिस्क, जी हां फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर हो, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, जो डॉक्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं ये डायरेक्ट सेलिंग में मुझे जरूरत नहीं, मेरी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है। कोरोना काल में प्रैक्टिस का क्या हुआ, क्या लगता है आपको? अगर आप डॉक्टर हो, क्या आप सर्दी खांसी बुखार किसी भी पेशेंट को देख पा रहे हो? जवाब है नहीं, नहीं, दे आर नॉट अलाउड टू एग्जामिन पेशेंट्स विद कफ कोल्ड सोर थ्रोट एंड फीवर। अगर एक व्यक्ति को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर अगर हाई है और उनको सर्दी खांसी है, डॉक्टर्स उनको देखेंगे नहीं, जिसको हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। अगर उनको कोमॉर्बिडिटी है, उसको कोई भी आम डॉक्टर देख नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, और जितने डॉक्टर जो 60 प्लस उनको भी, उनको वो लोग तो भी क्लिनिक बंद करके घर पे बैठे हुए हैं। 80% डॉक्टर्स आज घर बैठे हुए हैं, 80% जो दम भरते थे कि मेरी प्रैक्टिस तो जुआधार है, मेरे शहर में मुझसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है, दिन रात मेरे पास पेशेंट लोग लगे हुए हैं। फ्रेंड्स आज वही डॉक्टर्स मुश्किल से जो दिन में 100-200 पेशेंट देखते थे, आज दिन में उनको इजाजत है केवल सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा क्लिनिक खोलने की। फ्रेंड्स वो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स से ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 पेशेंट देख पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो डॉक्टर आज मुसीबत में आ चुका है। व्हाई? बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन सिंगल लाइन ऑफ इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप यदि 1 महीने में 2 लाख या 5 लाख रुपया कमाते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से या अपने स्किल से, तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आज दुनिया में 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाते हो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे सिंगल हैंडेडली, आप गरीब हो। लेकिन यदि आप 1 लाख रुपया कमाते हो 2000 लोगों के एफर्ट से, यदि आप 1 लाख रुपया कमाते हो 2000 लोगों के एफर्ट से, आपसे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो ये क्या उन्होंने कहा है, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख आप जो कमा रहे हो वो तब तक है जब तक आप जीवित हो, जब तक आपके हाथ सलामत है, सर्जन है उसकी जब तक हाथ सलामत है उसकी इनकम है, जिस दिन उसकी स्किल खत्म उसका पैसा खत्म। तो फ्रेंड्स अगर आप डॉक्टर हो, आज तक आपने सेकेंड लाइन ऑफ इनकम नहीं जनरेट करी है, तो एक बार जरूर सोचना। आप मेडिकल प्रैक्टिस करते करते क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो? करते हैं, राइट? क्या आप फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हो? करते हैं। क्या आप कोई म्यूचुअल फंड नहीं लेते हो? लेते हैं। क्यों? क्या आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हो? खरीदते हैं। व्हाई? सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। तो मेरा जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं, क्या यहां पे एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती है? फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए डॉक्टर्स को, यहां पे आपको पैसिव इनकम सोर्स, पैसिव इनकम। जी हां फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था आप इस दुनिया में रहो ना रहो ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, एक सेकेंड लाइन ऑफ इनकम। जैसे आप एक गाड़ी चलाते हो, ब्रांड न्यू गाड़ी आप जब निकालते हो शोरूम से, और आपको साथ में स्टेपनी दी जाती है, स्टेपनी टायर। स्टेपनी इसलिए नहीं दी जाती है कि आपकी गाड़ी निकलते ही पंचर हो जाएगी, स्टेपनी टायर इसलिए दिया जाता है कि लॉन्ग रन में जब आपकी गति बहुत तेज होती है, जब बहुत स्पीड से चलते हो, उस वक्त आपकी स्पीड को कहीं ब्रेक ना लगे। सेम वे में आपकी इनकम आज बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, आप मे बी सर्जन हो, आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आज आपकी इनकम बहुत सुपर चल रही है, लेकिन कोरोना जैसे ने आपके इनकम पे ब्रेक लगा दिया है। जी हां फ्रेंड्स, कोरोना जैसे ने आपके इनकम पे ब्रेक लगा दिया है। आने वाले समय में, चलिए अभी तो आप लोग सर्वाइव कर गए, इतने सालों का जो पैसा था रिजर्व में वो आपने चला लिया, आने वाले समय में जब कोरोना से बड़ी महामारी आएगी तब की तैयारी आज से शुरुआत करिए। तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति से मिलिए जिसने अभी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है। यदि आप डॉक्टर हो और आपको आपके परिवार के सिक्योरिटी की चिंता है, तो आज ही उस व्यक्ति से मिलिए जिसने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है, जिसने आपको ये फेसबुक पेज पे आने पे मजबूर किया है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप डॉक्टर हो तो आपकी जान, क्योंकि आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आज आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59 ईयर्स है,
क्यों नहीं हम 68 इयर्स तक जाते हैं, क्यों नहीं हम स्ट्रेस से बाहर आते हैं। ये स्ट्रेस से बाहर निकलने का एकमात्र विकल्प अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग इज द आंसर। उस व्यक्ति से मिलिए जिसने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है फ्रेंड, मे बी वो आज आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में चार चांद लगा दे एंड यू विल बी थैंकफुल टू दैट पर्सन कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये अवसर दिया और आज मैं एक मेंटल तौर पे फ्री जिंदगी जी रहा हूं। मेरे पास ना केवल अच्छी इनकम है, पैसिव इनकम है, लेकिन मैं अब थोड़ा रिलैक्स भी हो सकता हूं। नहीं तो डॉक्टरों की लाइफ एक क्लिनिक से दो क्लिनिक, दो से तीन, तीन से चार में पूरी जिंदगी बीत जाती फ्रेंड्स। एंड सेकेंडली मैं डॉक्टर्स के लिए और एक बात बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत ही एक जो डॉक्टर लोग कहते ना कि यार ये सब बेकार की बातें हैं, फ्रेंड्स जितने डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं और जिनको ये बेकार की बातें लग रही है, आपने शायद आने वाले कंपटीशन को जाना नहीं है। विजन हम जिसको कहते हैं कि आने वाला भविष्य में दो पांच सालों में क्या हो सकता है, ऑनलाइन फार्मेसी आ चुकी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हो चुके हैं, आज हर व्यक्ति आपके पास ट्रीटमेंट कराने से क्लिनिक में आना डर रहा है, फोन पे पता कर करके गूगल बाबा से पूछ के अपना इलाज कर ले रहे। गए वो दिन जब डॉक्टर्स की क्लिनिक में आते थे, आज कोरोना के डर में कई लोग दुबक के घर पे बैठे हुए हैं कि यार डॉक्टर के पास जाना तो सबसे बड़ा रिस्क है, पता नहीं उसके पास कितने मरीज बैठे होंगे और मुझे कोरोना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, ऑनलाइन कंसल्टेशन आज की तारीख में खुल चुके हैं, ऑनलाइन आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, ऑनलाइन फार्मेसी खुल चुकी है। एंड फ्रेंड्स यस, ये मेरे पास एक आंकड़े हैं कि 27% डॉक्टर्स जो है हार्ट अटैक से मरते हैं, 25% डॉक्टर्स कैंसर से मरते हैं, 2% इंफेक्शन से, 1% डॉक्टर्स सुसाइड करके मरते हैं। फ्रेंड्स 25% डॉक्टर्स कैंसर से मरते हैं, शॉकिंग। डॉक्टर्स कैंसर कैसे, जैसे फिल्म स्टार्स की हम बात करते हैं, यार फिल्म स्टार्स तो अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, जिम जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, फिर उनकी मौत कैंसर से कैसे हो रही है। ऋषि कपूर, इरफान खान, विनोद खन्ना, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, इतने लोगों को कैंसर, वाई 25% डॉक्टर्स को कैंसर, वाई? उसका जवाब मैं आपको देता हूं फ्रेंड्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो डॉक्टर जितने अस्पतालों में काम करते हैं, लगातार एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सबसे जो रेडिएशन, खतरनाक रेडिएशन, वो दिन रात एक्सपोज है, नतीजा 25% डॉक्टर्स डाई ऑफ कैंसर। यस, लोगों की जान बचाते बचाते कई लोग, कई डॉक्टर्स जाने अनजाने खुद भी मौत के घाट जा रहे हैं, शायद अभी उसको उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। फ्रेंड्स आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, मेरी बात अगर आपको यकीन नहीं आता आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस पे आप देख सकते हो, और यदि आपको लगे कि यस मेरी बात में दम है, मुझे जरूर इससे निकलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था जो व्यक्ति सो रहा है उसको तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई उठा नहीं सकता। तो आप को हम उठाने नहीं आए हैं, हम आपको केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सलाह का, कई लोग मेरे को पूछते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे जब वो बोलते हैं सर मैं अपने अपने रिश्तेदारों से पूछ के बताता हूं। कई स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, कई युवा मुझे सुन रहे हैं, कई डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, जब वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार सर मैं अपने मेरे मामा को पूछ के बताऊंगा, मेरे चाचा को पूछ के मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होएगा। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपको यदि अपने सपनों तक जाना है, अगर आपको एक मर्सिडीज तक जाना है और आप सलाह एक लूना चलाने वाले से लेते हो, कहां तक लॉजिकल है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको सलाह लेनी है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, यस जानिए, अगर आप पढ़े लिखे हो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरी तरह से छानबीन करिए। भगवान ने दिमाग को दिल से ऊपर का दर्जा दिया है तो पहले दिमाग लगाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही रूल काम आता है, पहले दिमाग लगाओ समझने के लिए, पूरी तरह से 100% दिमाग लगाओ। एक बार दिमाग लगा दिया, उसके बाद जब आपको समझ में आ गया, फिर दिमाग को रखो साइड पे, उसके बाद दिल लगाओ। Yes, उसके बाद केवल इस बिजनेस में दिल लगता है, और जहां पे दिल लगता है वहां पे तो आपको पता ही है इतिहास रचते हैं। तो पहले इस बिजनेस में
दिमाग लगाना है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, पहले दिमाग लगाइए अपना, भगवान ने दिमाग को, क्योंकि कई लोग मुझे बोलते उसने तो मुझे फंसा दिया, अरे यार मैं तो फंस गया, मैं तो पिछली कंपनी में फंस गया था। पहले ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है। अगर आपको इस प्रोफेशन के बारे में ज्यादा जानना है, गूगल बाबा से पता करिए। दुनिया में जितने लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे, जो आपको लगता है सफल है, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी, जितने भी आप सफल लोगों का नाम जानते हो, उनका नाम टाइप करिए कि इन सफल लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या विचार है। हाँ जी, मैं देख रहा हूं बहुत जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। हमारी मनाली जी है, हमारी भावना जी है, प्रवीण मान जी है, बहुत धुआंधार, बीना जी है, यस बहुत ही बढ़िया। आप लोग के मैं कमेंट्स डेफिनेटली अभी तो आंसर नहीं दे, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत टाइम से कर रहे हैं कमेंट्स। सुपर डुपर बहुत बढ़िया, आई कैन सी, मैं सबको पर्सनली जवाब दूंगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि एक सेकेंड फ्रेंड, यस, तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अवसर है आपके पास फ्रेंड्स। आप गूगल, आज आपके पास स्मार्टफोन है, अपना पूरा दिमाग लगाइए। अगर आज पहली बार अगर आप आए हो इस सेक्टर के बारे में जानने के लिए, तो अपना पूरा दिमाग चलाइए, जानिए इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या आंकड़ा क्या बोलता है, लोग क्या कहते हैं, सफल लोग क्या कहते हैं, इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली 2025। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये आंकड़ा प्री कोरोना का है। मैं आज आपको नया आंकड़ा देता हूं, आई वोंट बी सरप्राइज, कम से कम ये इंडस्ट्री 2025 तक 1,00,000 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि आज का जो करंट ताजा अपडेट है, 12 करोड़ लोग अपनी नौकरी गवा चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं। माय डियर फ्रेंड, आज खुशी से नहीं करोगे, कल मजबूरी आपसे करवाएगी, और जो चीज मजबूरी में करनी पड़ती है वो आपको खुद को पता है कितना दुखदायी होता है। तो फ्रेंड्स, जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। नाकारा इंसान के पास जब भी वक्त आएगा, बुरा वक्त बन के आएगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले बुरे वक्त को आज ही भाप लीजिए। मैं आज आपको 3 से 5 साल आने वाले क्या हो सकता है उसको भाप लीजिए। दुनिया ने जितने लोगों ने इतिहास बनाया, चाहे वो बिस्लरी वाटर क्यों ना हो, या कोई भी इन्वेंशन क्यों ना हो, चाहे उबर, हम लोग बोलते ना उबर गाड़ी, फ्रेंड्स उबर ने ऐसा कंसेप्ट सोचा था, आज उबेर कुबेर बन चुका है। यस, उबेर कुबेर बन चुका है, क्योंकि उन्होंने पहले ही भाप लिया था कि ऐसा कौन सा मुझे काम करना है जिसका मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैं निकाल सकूं। तो आज आपको 3 से 5 साल बाद क्या क्या हो सकता है आपके साथ, इस इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, सफल लोग क्या बोल रहे हैं, कितने लोगों की नौकरियां जाने वाली है, क्या मैं जो धंधे में हूं, मैं जिस बिजनेस में हूं, क्या आने वाले 3 से 5 साल में वो धंधा सरवाइव कर पाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा दिमाग लगाइए। और फ्रेंड्स, जिस दिन आपको दिमाग ने घंटी बजा दी कि यस दिस इज द राइट टाइम, यही है राइट चॉइस बेबी, तो जिस दिन आपको लगे ये राइट चॉइस है, उसके बाद दिमाग लगाना बंद करो, उसके बाद सिर्फ इस धंधे के साथ में दिल लगाओ। और फ्रेंड्स, बस दिल में के बाद तो फिर आप देखो बल्ले बल्ले ही है, फिर आपकी गाड़ी, जो भी आप चाहते हो, दुनिया में आपका हर सपना पूरा हो सकता है। पूरा पावर है डायरेक्ट सेलिंग के पास। फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करिए। उस व्यक्ति को मिलिए जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है, उस व्यक्ति को मिलना कि इस इंडस्ट्री में मुझे कैसे ज्वाइन करना है, इसके आंकड़े बताइए, इसका बिजनेस प्लान बताइए। तो फ्रेंड्स, ये हाँ, और डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया मैं एक बात बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग हर डॉक्टर को जिंदगी जीना सिखा देती है। फ्रेंड्स, डॉक्टर लोग को एक टिपिकल माइंडसेट, हम लोग सब लोग जितने भी डॉक्टर्स की जब चेहरा हमको याद आता है, तो हमको सारे डॉक्टर्स का चेहरा बहुत ही गंभीर, सीरियस। एक डॉक्टर आपको कभी भी डांस करता हुआ दिखाई नहीं देगा, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता हुआ दिखाई देगा। हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई कि बड़े बोरिंग से, बड़े ही सीरियस टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है कि डॉक्टर लोग जिंदगी नहीं जी सकते हैं, कि वो लोग नाच नहीं सकते हैं, ऐसा किस किताब में लिखा है, क्या किसी मेडिकल किताब में लिखा हुआ है? फ्रेंड्स, याद रखना है ऐसा कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जिंदगी जीना सिखा देती है ना, जिंदगी जीना सिखा देती है, हंसना गाना बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि कई डॉक्टर्स इतने सीरियस हो जाते हैं, अपनी लुक्स इतने सीरियस कर लेते हैं, जब वो पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं, पेशेंट फ्रेंड आपके चेहरे को देखकर वो ठीक होता है। आपने देखा होगा कई पेशेंट को बोलते हुए कि
डॉक्टर साहब आपका तो चेहरा देख के मेरा तो 50% मर्ज ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? यस, बिकॉज अ स्माइलिंग फेस आपकी 50% बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन डॉक्टर्स अधिकतर एक बड़े सीरियस मूड में रहते हैं, आधे लोगों का ब्लड प्रेशर आपका चेहरा देख के ही बढ़ जाता है। तो फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। एक डांस करना, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत बड़ा डांसर बनना है, लेकिन यस यू हैव टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप इमेज ऑफ अ डॉक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। तो फ्रेंड्स ये अभी मेरा एक लास्ट टॉपिक, अब क्योंकि डॉक्टर्स की बात हो चुकी है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम, जिंदगी जीने का तरीका, आने वाले फ्यूचर में जो कंपटीशन को ध्यान में रखिए, आने वाला समय कंपटीशन का है, करंट सिनारियो में जितने भी डॉक्टर्स हैं 80% डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बंद हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। 80% बहुत बड़ा नंबर है, 80% डॉक्टर्स आज घर बैठे हुए। मैं क्योंकि डॉक्टर हूं, ये मैं आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स घर में बैठे हुए। कल मेरी ये, मैं जब टॉपिक रेडी कर रहा था, मैंने कई डॉक्टर से पर्सनली बात करी है कि क्या चल रहा है, कोरोना में तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है या क्या हाल है। फ्रेंड्स उनके आंकड़े सुन के, उनका दुख सुन के मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा। तो कल मैंने उनको, काफी लोगों को, मैंने जितने भी दोस्त हैं उनको मैंने यही बात बताई कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं मिलता हूं बहुत जल्द आके, कि आने वाले 5-6 महीनों में वाकई में हालात में सुधार नहीं आने वाला है तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे उनका एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये हर डॉक्टर जो जानता है, फ्रेंड्स जितने भी डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, डॉक्टर्स इस इंडस्ट्री को सीरियसली लीजिए। यहां पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा जहान है ना। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना आपका पैसा लग रहा है, ना यहां पे कुछ भी नहीं लगता फ्रेंड्स। यहां पे मैंने कहा ना, सिर्फ एक सीने में आंधी होनी चाहिए कुछ कर गुजरने का, एंड लॉन्ग टर्म विजन, पैसिव इनकम कि मैं यदि आज नहीं रहा, तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या सिक्योरिटी। तो यदि आप अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए वाकई में चिंतित हो तो एक बार उस व्यक्ति से मिलना जिसने आज आपको ये वीडियो शेयर किया हुआ है, जिसने आज आपको इस फेसबुक पेज पे आने के लिए कहा है, उस व्यक्ति से मिलना, वो आपको इस प्रॉब्लम का समाधान दे सकता है। चलते फ्रेंड्स, अब मेरा जो आखिरी, आई थिंक लास्ट मेरा टॉपिक है, हम 10 मिनट और बात करेंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय। यस, तो आखिरी जो मेरा टॉपिक है हम सब लीडर्स के लिए, क्योंकि अब बहुत बात हो चुकी है, हमने बहुत बात कर ली है डॉक्टर्स की, बहुत बात कर ली है युवाओं की, अब बात किया जाए लीडर्स की। यस, IMC लीडर्स, या आप किसी भी कंपनी में अगर लीडर हो तो हम लीडर की बात करते हैं। फ्रेंड्स चार क्वालिटी, आप लोग बुक पेन लेके तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम लीडर्स को सीखने की बारी आ गई। ये हमने स्टूडेंट, यूथ, डॉक्टर्स, इनको अभी हटा दिया है, अब अपनी बारी है। तो अब आपको पता ही है लर्निंग बहुत जरूरी है। अब मैं आपको फुल फॉर्म देने जा रहा हूं, हम बोलते हैं नेटवर्क बिजनेस। तो व्हाट इज नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क का फुल फॉर्म देने जा रहा हूं मैं आपको। यदि आज आपने ये फॉर्मूले को अपना लिया, अगर आज अभी अभी इस बिजनेस में जुड़े हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, दुनिया में आपको किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इसको फॉलो कर लिया। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं फोर क्वालिटी ऑफ अ लीडर। अगर आप एक लीडर हो, ये चारों क्वालिटी आप में होनी चाहिए। यदि ये नहीं है, आज ये बिजनेस को छोड़ दो, राइट? तो चलते हैं। नंबर वन, आप जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हो, नंबर वन क्वालिटी, पुश स्टार्ट वर्सेस सेल्फ स्टार्ट। नंबर वन पॉइंट, पुश स्टार्ट वर्सेस सेल्फ स्टार्ट। क्या हर बार आपके अप्लाइंग को आपको फोन करने की जरूरत है, आज मीटिंग है, रिमाइंडर भी देना पड़ता है, अरे आज प्लीज आ जाना 11 बजे फेसबुक पे, प्लीज आ जाना, आज तू ये कंप्लीट कर दे। इसको कहते हैं पुश स्टार्ट, धक्का स्टार्ट, है ना, कि धक्के के बिना ये चलता नहीं है। और एक होता है सेल्फ स्टार्ट। दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी लीडर जो आज आत्मनिर्भर बन चुके हैं, IMC में क्राउन प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, एम्बेसडर बन चुके हैं, आपने एक क्वालिटी उनमें जरूर देखी होगी, सेल्फ स्टार्ट। उनको कभी किसी अप्लाइंग के रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक मैसेज कर दिया कि फलाने डेट पे मीटिंग है, बिना भूले वो व्यक्ति आ जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ स्टार्ट। उसको अप्लाइंग से गाइडेंस की जरूरत नहीं है कि आप ये करो वो करो, वो खुद करके फिर अप्लाइंग को अपडेट करता है। इसको कहते हैं सेल्फ स्टार्ट। आपको लिखना है
अभी आप किस स्टेज पे हो, क्या आपको हर एक चीज के लिए अपलाइन पे डिपेंडेंट रहना है, क्या आप पुस्टार्ट हो, जिसको कहते हैं ना धक्का धक्के वाली गाड़ी, बार 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 आपको पुश करना पड़ रहा है, पुश करो, एक मीटिंग अटेंड करो, ड्रेस कोड पहनो 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 पहनो। अगर आप पुश स्टार्ट हो फ्रेंड्स, ज्यादा दिन आप टिकोगे नहीं इस बिजनेस में। अगर लंबे लेवल तक टिकना है सेल्फ स्टार्ट, है ना, सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि आपकी टीम आपको देख के चार्ज होती है, आपकी टीम आपके बोलने पे नहीं चार्ज होती है, आपके कार्यों पे स्टार्ट होती है। तो आज के बाद में सेल्फ स्टार्ट, खुद प्लान दिखाना शुरू करिए, खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू सीखिए, खुद अपनी टीम को सिखाना शुरू करिए, खुद अपनी टीम का फॉलोअप लीजिए। आप केवल आपके अपलाइन के डायरेक्ट अपलाइन के संपर्क में रहिए, आपकी टीम सिर्फ आपसे संपर्क में रहनी चाहिए, अपलाइन के संपर्क में नहीं। अगर आपकी टीम भी आपके अपलाइन से ही संपर्क में ले रही है, यू आर अ फेलियर लीडर। यस, यू आर अ फेलियर लीडर, क्योंकि आप उस काबिल नहीं हो कि आपके डाउनलाइन आपको फोन करे। क्यों अपलाइन के पास उसको फोन करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपने अपनी इमेज को स्ट्रांग नहीं रखा है। उसको पता है कि इसको फोन करूंगा तो ये सोल्यूशन दे नहीं पाएगा, सीधा डायरेक्ट अपलाइन के पास चलते। तो ये बहुत खतरे की घंटी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी टीम आपके अपलाइन तक पहुंच जा रही है, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में वैल्यूएबल लीडर बनना है, याद रखना है वैल्यूएबल, राइट? उनको लगना चाहिए यार मेरे अपलाइन के पास गया तो बात खत्म। ये हर एक चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो सेल्फ स्टार्ट फ्रेंड, आज के बाद लॉग इन करना, केवाईसी करना, आपको प्रोडक्ट डेमो करना, प्लान दिखाना, किसी को मोटिवेट करना, किसी से बात कर लो, वो सब आपको खुद करना है। अच्छा सर, मैं मेरे अपलाइन से बात करा देता हूं। अगर ये स्टेज पे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अभी अभी जुड़े हो और आपको ये, अगर अभी जुड़े हो तो आपको लर्निंग तो लेनी है अपलाइन से, लेकिन यदि आज आपको 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हो चुका है, आपको सेल्फ स्टार्ट लीडर बनना है। दैट्स इट, नंबर वन क्वालिटी। नंबर दो, ब्रेक डाउन नहीं करना है, ब्रेक थ्रू करना है। ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन, छोटी छोटी मुसीबतें आ गई, ब्रेक डाउन करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी तो टीम छोड़ के चली गई, मेरे तो घर में ऐसे हालात है। फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन नहीं करना है। ऐसे दुनिया में कई सारे मुश्किल आपके सामने, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ब्रेक डाउन कभी नहीं करना है, ब्रेक थ्रू करना है। यस, ब्रेक थ्रू, कि इस मुश्किल की घड़ी में सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम पे फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉब्लम पे खाली फोकस करोगे, आप कभी भी बड़े लीडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स की पोटरी बन चुके हो। तो आपको समझना पड़ेगा, ब्रेक डाउन नहीं करना है। मुश्किलें मुझे दुनिया में एक भी व्यक्ति बताइए, आज ही वंदना जी ने लिखा, आई एम अ सेल्फ स्टार्ट लीडर। यस, जबरदस्त। तो मुझे मुश्किलें, ऐसा एक व्यक्ति बताइए जिसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं आई। हम जिस भी भगवान को पूछते हैं, मुझे एक भगवान का नाम बताइए जिन्होंने मुश्किलों का सामना नहीं किया। मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए। कई लेडीज, मेरी टीम में कई लेडीज है, पूरे हिंदुस्तान में, हमारे आईएमसी में बहुत लेडीज काम करती हैं। कई लेडीज बोलती है, सर मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे बच्चों को छोड़ के काम करूं। फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई को आप देखिए, वो मैदाने जंग में अपने छोटे बच्चे को इधर इधर बांध के वो लड़ाई करने गई, तलवार लग सकती थी उस बच्चे को, रानी लक्ष्मीबाई। सोचो, छोटे छोटे बच्चों का आप लोग क्या बोलते, एग्जाम्पल देते हो कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दुनिया में हर एक लेडी ने सहा है आपको, केवल कहते ना, मैं कल ही शायद मेरा फेसबुक लाइव था, मैंने उसमें एक बात कही थी कि फ्रेंड, रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ाई करनी बहुत जरूरी है। आज आपकी लड़ाई केवल मन भूमि में चल रही है कि मैं ये जाऊंगी, वैसा करूंगी, ऐसा करूंगी, पहले आपकी लड़ाई यहां आपको जीतनी पड़ेगी, है ना। रणभूमि में तो आप जीत ही जाओगे, तो रणभूमि से पहले मन भूमि में आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू करना है, कि अब इस मुश्किल संकट की घड़ी से मैं कैसे ब्रेक थ्रू करूंगी। नंबर तीन, इमोशनल वर्सेस डिवोशनल। जी हाँ फ्रेंड्स, इमोशन मतलब दिल से सोचना। जब आप बिजनेस करते हो तो पहले तो दिमाग लगाना है ना। इमोशनल वर्सेस डिवोशनल, भक्ति। डिवोशन का मतलब समझते ना, कि आप जो भी कार्य करते हो एक 100% सबमिशन के साथ में, भक्ति के साथ में। जैसे हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक भक्ति के समान है।
अगर आप इसको भक्ति के समान मानोगे कि मेरे चार धर्म है, सुबह जैसे हम सुबह मंदिर जाना अपने भक्ति समझते हैं, किसी का अच्छा चाहना हम अपनी भक्ति समझते हैं, अच्छे कर्म करना हम भक्ति समझते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में भी भक्ति करना मतलब आपको जो बेसिक फोर बेसिक जो आपको सिखाए जाते हैं, शो द प्लान, फॉलो अप, आपकी टीम को ट्रेन करना है ना, यही है, और प्रोस्पेक्टिंग, ये चार चीजें, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग की भक्ति। आप जुड़ तो गए हो लेकिन आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे, आप जुड़ तो गए हो आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप जुड़ तो गए हो आपकी टीम का फॉलोअप नहीं ले रहे हो, तो फिर आपकी भक्ति कहां है? यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग केवल टाइम पास के लिए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में डिवोशनल, आपको डिवोटेड होना पड़ेगा फ्रेंड। जब तक आप डिवोटेड नहीं होंगे कि नहीं मैं अगर जिसके साथ जुड़ी हूं मैं भक्ति में बिलीव करती हूं, तो ये मेरी प्रोस्पेक्टिंग मेरी भक्ति है, मैं फॉलो अप मेरा भक्ति है, मेरी टीम की ट्रेनिंग करवाना मेरी भक्ति है फ्रेंड। दिस इज भक्ति। भक्ति से शक्ति मिलती है, यस, और शक्ति से ही आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति यानी कि दुनिया छोड़ने वाली मुक्ति नहीं, लेकिन जो ये हम लोग जो जरूरतों के फेरे में जो पड़े हुए उससे फ्रीडम है ना, उससे मुक्ति, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मुक्ति, राइट? सो भक्ति से शक्ति, शक्ति से मुक्ति, ये आपको बहुत जरूरी है। नंबर चौ या इमोशनल डिवोशनल में एक वो आपने कबीर का दोहा सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो फ्रेंड्स, भक्ति, हम लोग प्रभु को तब याद करते हैं जब हम दुविधा में होते हैं, लेकिन जब हमारे अच्छे दिन चलते हैं तो हमको उनकी याद नहीं आती, लेकिन हम अच्छे दिनों में यदि भक्ति करेंगे तो हमारे पास बुरे दिन आएंगे ही नहीं। तो जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं उस वक्त आपको प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तब करना है जब आपके दिन अच्छे चल रहे हैं। जब बुरे समय आता है तब आप करने निकलते हो, यानी कि जब आपको प्यास लगती है तब आप कुआं खोदने निकलते हो, आप फेल हो जाओ, राइट? नंबर चार पॉइंट जो लीडर के पास होता है, लीडर मस्ट गिव अप टू गो अप एंड स्टे अप। लीडर मस्ट गिव अप टू गो अप एंड स्टे अप, यानी कि लीडर को बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी अगर उसको ऊंचा उठना है, तो छोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप ईगो, बहुत सारे लीडर्स को ईगो आ जाता है कि मेरे अपलाइन का बिजनेस मेरी वजह से है। दुनिया में ऐसा आज तक कोई पावरफुल व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है कि कोई किसी को बना सकता है, कोई किसी को बना नहीं सकता है, आप खुद में ही दम होगा तो आप बन जाओगे, अपलाइन केवल इंस्पायर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको कुछ छोटी छोटी बातों को गिव अप करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मेरी अपलाइन से बनती नहीं है, मेरी इससे बनती नहीं है। दुनिया में आपको किसने ऐसा बताया है कि आपकी बननी ही चाहिए? एक सगे भाई भाई में नहीं बनती है, सगी बहन बहन में नहीं बनती है, सगे ब्लड में जो होते हैं उनकी आपस में नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, हम तो सारे अलग अलग खून के लोग हैं, क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी और मेरी बननी चाहिए? अरे आपके आपके सगे भाई से नहीं बनती, आपके सगी बहन से नहीं बनती है, मुझसे क्यों बनाने को चाहते हो? आप केवल वो करिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, याद है ना, इमोशनल नहीं डिवोशनल, ये ध्यान रखना है। तो आपको मुझसे नहीं पटती है, कोई बात नहीं, आप अपना बिजनेस करो, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, आप और मैं, आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिजनेस फंडामेंटल्स, बिजनेस के बेसिक्स से आपको आपको चलाना पड़ेगा। और पैसा आपको आपकी डाउनलाइन से आता है, अपलाइन से नहीं। तो आपकी अपलाइन से नहीं बनती है, मिट्टी डालो उस पर, जय राम जी की, तुम रूठे तो हम छूटे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको बहुत सारी चीजों को गिव अप करना पड़ेगा टू गो अप। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगे आप इस बिजनेस में कभी भी ऊपर नहीं जा सकते हैं। चलते हैं आखिरी, हमारे अंतिम 5 मिनट बचे हैं, नेटवर्क। नेटवर्क का जो मैं आपको पूरा इसका ब्रेकअप दूंगा, NETWORK, आप लिखते रहिए, मैं एक एक वर्ड का आपको मैं विश्लेषण देने जा रहा हूं। नेटवर्क, यस, नेटवर्क का पहला अक्षर N, N स्टैंड फॉर नो, सुनने से ना डरे। अगर आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें लगेंगी? नंबर 1, नो सुनने से ना डरे। हर व्यक्ति आपको ना बोलने ही वाला है, 10 में से 9 लोग ना बोलने वाले हैं, ये आज ही समझना शुरू करिए। अरे आप जब जाते हो, लेडीज जब साड़ी खरीदने जाती है, सैंडल खरीदने जाती है, चप्पल खरीदने जाती है, क्या लगता है आपको कि पहली दुकान से आप साड़ी खरीद लेते हो? आप भी तो 10 लोगों को ना बोलते हो,
फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है अगर आपको किसी ने ना बुलाया है तो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। ना सुनने की आदत डालिए, मैंने कहा ना जैसी मति वैसी गति, जैसी जिसकी मति होगी उसकी गति वैसी होने वाली है। अगर उसकी, कई लोग मैंने देखा है आईएमसी में जुड़ तो बहुत समय पहले गए हैं, उनको समझ में नहीं आए, आज उनको बात समझ में आ रही क्योंकि उस वक्त उनकी मति मति गई थी, आज उनकी मति आ गई है। क्योंकि लोगों के समझाने से लोगों को नहीं समझ में आती है, उनकी जैसी मति होगी उनकी वैसे ही गति होगी। तो आपको समझने वाली बात है, आज आपको ना बोल रहा है, डोंट वरी, यही व्यक्ति आप जब कामयाब हो जाओगे ये आपके सामने आ जाएंगे आपको हाँ बोलने के लिए। सो ना सुनने से ना डरे। ई ई एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लगातार एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लगातार एजुकेशन। जूम मीटिंग्स, फेसबुक लाइव, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, मैंने कई लोग को देखा हुआ है, थोड़ी मोटी छोटी मोटी उनको कामयाबी मिलती है 10-20-30 हजार रुपया, उनको ऐसा लगता है वो चांद पर जाकर आ गए, मतलब 50,000 की समाधि बना के बैठ जाते हैं कि साला मैं तो साहब बन गया। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, एजुकेट योर सेल्फ कंटिन्यूअसली। क्योंकि जैसे आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हो, है ना, मोबाइल को हम रोज चार्ज करते हैं क्योंकि रोज उसकी बैटरी डाउन होती है। हम भी जब फील्ड में जाते हैं रोज हमको नेगेटिव लोगों से सामना करना पड़ता है, रोज आपको लोग उल्टा, बहुत कुछ उल्टा बोलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोरोना में इतने लोग मर गए हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं अरे सर आज कोरोना में इतने लोग मर गए, भैया हम कोई क्रिकेट मैच नहीं देख रहे कि हम स्कोर देख रहे हैं, आज इतने मर गए इतने बच गए, उस सब छोड़िए बेकार की बातों से, उस पैसा नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स एजुकेट योर सेल्फ, जिस प्रकार मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है आपको भी चार्जिंग की जरूरत है। और आपको चार्जिंग कहां से मिलेगा, आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको एजुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली। टी ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का एक ही रास्ता है, दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का एकमात्र रास्ता है ट्राई करना, जब आप छोड़ देते हो बस, बाकी कोई रास्ता नहीं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो सकते हो। फेल होने का सिर्फ एक रास्ता है कि आपने ट्राई करना छोड़ दिया। ट्राई 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 ट्राई, जैसे आप हमेशा सुनते हैं बल्ब बनाने वाला 1000 बार ट्राई, आपने 2 लोग 4 लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग ने ना बोल दिया और आप ट्राई करना छोड़ देते हो। तो फ्रेंड्स ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। अगर आपने ट्राई करना छोड़ दिया, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर, ओनली कारण आपके फेलियर का ट्राई करना जिस दिन आप छोड़ दोगे। तो हमने देखा एन ई टी, नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, वेल्दी माइंडसेट। वेल्दी माइंडसेट फ्रेंड्स, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं गरीब मरूंगा नहीं। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास जुनून है, मेरे पास पैशन है, एक ना एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। इसको कहते हैं वेल्दी माइंडसेट, है ना। आज भले मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन एक दिन मेरे पास मर्सिडीज जरूर आएगी। जी हाँ फ्रेंड, इसी को कहते हैं स्टार्टअप दिमाग। तो वेल्दी माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपको अगर पता करना है कि आपका वेल्दी माइंडसेट है या नहीं, सिंपल है। आज भी कई लोग, जब जियो ने कॉल्स फ्री कर दिया है, आज भी आपको कई लोग मिलेंगे मिस कॉल देते हुए, मिस कॉल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आप जानते हो जो मिस कॉल खेल रहा है, उसको अपने लिस्ट से ब्लॉक कर दो। वो वेल्दी माइंडसेट नहीं, आज भी मिस कॉल दे रहा है, मैं आपको मिस कॉल देता हूं। जियो ने सब जगह कॉल्स को फ्री कर दिया है, फिर भी वो व्यक्ति मिस कॉल खेल रहा है। तो मिस कॉल वाले आपके टाइप के नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बिजनेस के लिए सबसे पहले वेल्दी माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वेल्दी माइंडसेट का मतलब होता है, अगर मुझे लाखों रुपया कमाने हैं तो कुछ रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे, अगर मुझे दांव पे कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा, अगर मुझे बड़ा जुआ जीतना है तो यस, कुछ तो लगाना पड़ेगा। यहां पे लोग लगाने के नाम से एलर्जी है, ओहो टी शर्ट खरीदनी पड़ेगी, किताबें खरीदनी पड़ेंगी, 100 रुपया सेमिनार का चार्ज, ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स। आज ही ऐसे लोगों को, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो मजबूर होते हैं, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। फ्रेंड्स इस बिजनेस में मजबूर नहीं, मजबूत लोगों को लाइए, जो कम से कम अपने अपना सामान, अपना घर में लगने वाला राशन पान, अपने घर में लगने वाला जो भी किताबें हैं, एजुकेशन कम से कम खुद खरीद सके,
यदि एक व्यक्ति वो भी खरीदने लायक नहीं है, वो इस बिजनेस में आप लाते हो, सबसे पहले आपकी गलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको नहीं लाना है, सबसे पहले उनको मत लाइए, सबसे पहले उनको मत लाइए, राइट। तो वेल्दी माइंडसेट आपका होना बहुत जरूरी है। ओ अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आपके पास फोन आता है कि यस सर आज मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आज मैं फ्री हूं, आज मेरा एक मीटिंग थी मेरी कैंसिल हो गई है, तो आज हम लोग मिलते हैं शाम को आधे घंटे के लिए। आप बताइए, आप आईएमसी का बता रहे थे, उस वक्त आप बोलोगे सर आज तो है ना मेरे बर्थडे का, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो सर आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फ्रेंड्स ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर जाते हो, क्यों? क्योंकि आपने आपके बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दी है, आपने बर्थडे को प्रायोरिटी। सर आज मेरी तबीयत खराब है, फ्रेंड्स तबीयत खराब है, मैं कई लोगों को देखता हूं तबीयत का बहाना देते हैं, सर आज मेरी तबीयत खराब है, जूम मीटिंग अटेंड करना है, घर से बैठ के मीटिंग अटेंड करना है, तबीयत का आप बहाना रोना लेके बैठते हो। मुझे बताओ आपको जूम मीटिंग में करना क्या है, सुनना ही तो है। अगर उसके लिए भी अगर आप तबीयत का बताते हो बहाना, तो आई डोंट सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू, इट्स योर कॉल। मुझे नहीं लगता ऐसे लोग ज्यादा कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने आपके बिजनेस को प्राथमिकता नहीं दी, आपने जूम मीटिंग को अटेंड करना जरूरी नहीं समझा, आपने आपने किसी को कॉल करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। यानी कि फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आएगी। लक्ष्मी जी आपको टीका लगाने आ रही है और पता चला उस वक्त आप मुंह धोने चले गए हो। तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, ये बात ध्यान रखना। आपको नहीं पता कि हो सकता है वही आपका क्राउन प्रेसिडेंट रहा होगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिस कर गए अपने छोटे छोटे बहानों की वजह से कि सर आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज ना ट्रेन नहीं चल रही है, आज तो बस नहीं चल रही है। और हो सकता है वही मौका था कि वो आपको अपना फ्यूचर क्राउन प्रेसिडेंट मिल रहा था। फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें, आपको समझना पड़ेगा। सेमिनार, आपके जूम मीटिंग्स, आपके फेसबुक लाइव, आपको पता नहीं कि क्या आपको कौन सा ऐसा पॉइंट, कौन सा ऐसा खजाना मिल जाए जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा ये बात, अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। हम देखते हैं मीटिंग है आज, हम केवल अच्छा हम खुद अटेंड करने आते हैं, फ्रेंड्स नहीं, हमारी टीम को फोन कर करके आप अटेंड करवाइए, अपॉर्चुनिटी है आपके बिजनेस को बड़ा करने की। जो चीज आप समझाने की कोशिश कर रहे हो वही वो सीनियर आपका आपके लिए काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप इतने बीमार हो कि अपनी टीम को एक फोन करके उनके सेशन में अटेंड नहीं करवा सकते, तो आपको सोचना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपका फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग में ब्राइट नहीं है, ये मैं अपने दावे से बोल सकता हूं, इट्स माय चैलेंज। आप ज्यादा नहीं, अगर आप एक तबीयत का बहाना हर बार देते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जूम मीटिंग अटेंड करने में आपको तबीयत बीच में आ रही है, हाउ फार इज इट रेलेवेंट? अरे आप बिस्तर पर लेटे हो और आपको लेटे लेटे सुनना ही तो है, लेकिन आपने वो मीटिंग को मिस करना ज्यादा जरूरी समझा, राइट। यानी कि यू आर मिसिंग स्लाइटेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आप इस बिजनेस से देखते देखते कब बाहर हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस ना करें। आर हमने देखा, एन नो सुनने से ना डरे, ई एजुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, टी ट्राई करते रहिए, डब्ल्यू वेल्दी माइंडसेट, ओ अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, आर आर अपनी रेंज को बढ़ाइए। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि सर मेरी टीम है ना, ये मेरे तीन चार मोहल्ले है ना, ये अपनी टीम है, इधर तीन चार गली मोहल्लों में अपनी टीम है। सोचो तीन चार मोहल्लों में सिर्फ अपने बस दो चार किलोमीटर में आप काम कर रहे हो और अपनी टीम बोलते हो, मेरी टीम, सर ये अगले दो सोसाइटी में मेरी टीम है। क्या आप ऐसे लीडर्स को जानते हो जिनकी बहुत सारी राज्यों में टीम चल रही है, राज्यों में, शहर छोड़िए राज्यों में। मेरी अगर अपनी बात करूं फ्रेंड, मैं अपना पसंद 20 राज्यों में टीम है, 20 राज्य, और आपके 20 मोहल्लों में भी नहीं है। सोचिए कहां से पैसा आएगा। अगर आपने सिर्फ अपने राज्य में काम किया है फ्रेंड्स, तो अगर आपके राज्य में कभी बाढ़ आ गई है ना, कभी बहुत तूफान आ गया, कभी गणपति आ गया, कभी दुर्गा पूजा आ गई, और आपने अपने रेंज को बढ़ाया हुआ नहीं है, आप इस बिजनेस में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको आपकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, है ना, आपको आपका रेंज दायरा बढ़ाना पड़ेगा, वरना आप वो दिन दूर नहीं है जब आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे, क्योंकि आपने केवल गली मोहल्लों में खेलना शुरू किया। फ्रेंड अपना दायरा बढ़ाइए, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आसाम, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, सब जगह अपनी टीमों को फैलाइए,
लेकिन फैलाने योग्य पहले बन जाइए, पहले अपनी काबिलियत को बढ़ाइए और फिर टीम डालना शुरू करिए फ्रेंड। रेंज जो जितना बड़ा लीडर होगा उसका रेंज उतना ही बड़ा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर आपको बड़े लीडर बनना है, बड़े लेवल पे बड़ा पैसा कमाना है, आपकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आज यदि आपकी टीम सिर्फ आपके मोहल्ले में है, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये बात ध्यान रखना है। एंड लास्ट और जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पे आप सबको काम करना चाहिए। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये आप सबको लागू होता है। यदि आप बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो के किंग नहीं किंग मेकर बनना है, किंग नहीं किंग मेकर बनना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्यादातर लीडरों की जिंदगी बीत जाती है खुद राजा बनने में। राजा फ्रेंड्स, राजा नहीं बनना है, राजा नहीं बनना है, किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है। कई लीडर को मैं देखता हूं अपने डाउन में लीडर्स को पनपने नहीं देते हैं वो। फ्रेंड्स, लीडर को पनपने नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे डाउन में अगर कोई लीडर मुझसे पावरफुल आ गया तो मेरे को ओवरशैडो कर लेगा, मेरी पूरी क्रेडिट खत्म कर देगा मार्केट में, मेरी वैल्यू खत्म कर देगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल विपरीत चलना है आपको। अगर मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, कहते ना जिसको हम कहते हैं द अनक्राउंड किंग। अगर मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं तो यहां पे आप सब लोग जानते होंगे बाल ठाकरे ने आज तक कभी कोई पद नहीं लिया, ना वो चीफ मिनिस्टर है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई कैबिनेट मंत्री है, बट फिर भी आज शिवसेना मतलब बाल ठाकरे का ऐसा रुतबा था, किंग नहीं किंग मेकर। सोनिया गांधी कांग्रेस में, उनके पास भी वैसे कोई पदवी नहीं है, ना कभी पीएम बनी है ना कुछ, लेकिन फिर भी आज कांग्रेस मतलब सोनिया गांधी किंग मेकर। पतंजलि की बात करते हैं, बाबा रामदेव, क्या लगता है आपको पतंजलि बाबा रामदेव की है? रॉन्ग। बाबा रामदेव उसमें लेस देन 5% के होल्डर है, 95% बालकृष्ण जी की है, पतंजलि बालकृष्ण जी की है। लेकिन आज पतंजलि को किसके नाम से जाना जाता है? बाबा रामदेव। यस, इसी को कहते हैं किंग नहीं किंग मेकर बनना है। तो फ्रेंड्स, अपनी ग्रोथ अपनी कामयाबी से ज्यादा अपने जो टीम है यानी कि वो अपने बच्चे हैं उनकी कामयाबी पे ज्यादा फोकस करो, तो अपने आप एक किंग मेकर बनोगे कि आपके जब बच्चे फील्ड पे जाके दहाड़ेंगे मैदान में, जरूर पूछेंगे लोग यार इसका अप्लाइंग कौन है। एंड फ्रेंड्स, दैट इज द मोमेंट ऑफ प्राउड, दैट इज द मोमेंट ऑफ प्राइड, है ना, आपको बहुत गर्व होगा कि ऐसे हीरो को आपने तराशा है। तो आपको सोचना है कि आपको खुद को किंग बनना है या किंग मेकर बनना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आप क्या बनना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, मैंने आपको बाल ठाकरे जी का दिया है, मैंने सोनिया गांधी का उदाहरण दिया, मैंने आपको रामदेव बाबा जी, ऐसे कई लोग हैं जो किंग नहीं किंग मेकर बनते हैं, राइट। इन्होंने कई लोगों को खड़ा किया फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों के दिलों में जिंदा रहना है हमको, ये बात ध्यान रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर पर्पस है ना, लोगों के दिलों में आपको जिंदा रहना है, तो किंग नहीं किंग मेकर बनना है। तो अगर आप किंग बनने में इंटरेस्टेड हो नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत बड़ी छलांग आप नहीं मार पाओगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हो, किंग या किंग मेकर। हाँ जी भावना जी, आपने लिखा किंग मेकर, क्या बात है, किंग मेकर बनना है, फैंटास्टिक। तो जिन जिन को किंग मेकर बनना है मैं आज आपके साथ खड़ा हूं, क्यों ना अपनी टीम के एक एक व्यक्ति को राजा बनाया जाए, राजा, या अगर आपके साथ लेडीज काम कर रही है रानी बनाया जाए। यस, उनको आप किंग और क्वीन बनाने के चक्कर में रहिए, आप अपने आप, कहते हैं ना एक महाराजा वाला फीलिंग अपने आप आ जाएगी, यार ये मेरे हैं, अनमोल रतन है सब लोग। तो फ्रेंड्स, किंग नहीं किंग मेकर बनना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सेशन है आज यहां पे हमारी बस 5 मिनट अभी हम लोग क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलेंगे। तो अगेन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आप लोग मेरे को यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर आनंद वाजपेयी यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर वाजपेयी हेल्थ एंड वेल्थ कोच, ये मेरा फेसबुक पेज है। अंतिम 5 मिनट मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलता हूं। अब मैं आराम से एक एक कमेंट देखता हूं बस, और फिर हम लोग, हाँ जी कैलाश जी किंग मेकर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सारे किंग मेकर बनना चाहते हो। तो चलिए सवाल जवाब कुछ 2 मिनट हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। कोई सवाल अगर आपका हो आज के सेशन के बारे में, तो आज हमने यूथ पे बात करी, आज हमने स्टूडेंट्स पे बात करी, आज हमने डॉक्टर्स पे बात करी है, आज हमने नेटवर्कर्स पे बात करी, बहुत ही लंबा चौड़ा जो मुझे जिम्मेदारी दी थी हमारे रवि शर्मा जी ने, चेयरमैन स्टार फ्रॉम जयपुर राजस्थान। उम्मीद करता हूं रवि शर्मा जी
आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है तो वो मैं ईमानदारी से निभा पाया हूं, आपकी जो उम्मीद थी मुझसे मैं उसको पूरा कर पाया हूं। यस, हमारे सिद्धार्थ जी भी बोल रहे हैं 0.5 पॉइंट्स ऑफ अ लीडर अच्छी लगी आपको। चलिए मुझे बताइए कि आपको आज के सेशन में कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा लगा कि यार ये टॉपिक बहुत वाकई में शानदार था। हाँ जी, आप मुझे बता सकते हो तो हम लोग कुछ बातें करेंगे 2 मिनट और फिर आज हम लोग अलविदा कहते हैं। आज के टॉपिक में आपको कौन सी टॉपिक अच्छी लगी? कुंदन कुमार जी किंग मेकर, आप मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं। हाँ जी भावना जी जबरदस्त, थैंक यू। दीपक जी किंग मेकर, सुपर, वेरी नाइस। तो आज कौन सी टॉपिक? हाँ जी, हाँ जी परवीन जी, डॉक्टर जी, हाँ जी गौतम लाल जी, अरे क्या बात है, हमारे मुर्शिदाबाद से भी है। सोनल जी किंग मेकर बनना है। शोभा मिश्रा जी, यूथ वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा। शोभा मिश्रा जी फैंटास्टिक। कमल देव जी किंग मेकर, वेरी नाइस। बस ऐसे ही मुझे पता चले ताकि मुझे इस पे फुल फ्लेज टॉपिक लेकर मैं आऊंगा आपके साथ, बहुत जल्द, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा। ममता जी लुकिंग वेरी हैंडसम, ओह क्या बात है, थैंक यू ममता जी, थैंक यू। हमारे नागालैंड से भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार। बीना जी हमारी त्रिपुरा से है, सुपर डुपर। ज्वाइनिंग ऑफ यूथ इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको अच्छी लगी, फैंटास्टिक। किंग मेकर बनना है, लवली। बालकिशन जी किंग मेकर बनना, अरे क्या बात है, मतलब ज्यादा लोगों को आई थिंक क्लोजिंग स्टेटमेंट किंग मेकर आप लोगों को बहुत। रेखा मोरे जी या क्या बात है, किंग मेकर फैंटास्टिक। चलिए मतलब बहुत ही आपको कनेक्ट कर गया ये वर्ड है। तो आज ही अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आपको आपके डीपी में, आप लोग डीपी में अगर लिखेंगे के चंद्रकांत जी क्या लिखा, यूथ एंड डॉक्टर्स, यस 4 क्वालिटीज ऑफ अ लीडर आपको पसंद आ गई। डॉक्टर वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा, अशोक जी क्या बात है, फैंटास्टिक। किंग मेकर मतलब ज्यादातर मैं देख रहा हूँ ग्रेट ओम प्रकाश जी है, ग्रेट किंग मेकर, काफी सारे आपको टॉपिक पसंद आए हैं। नए आदमी को वैसे बताए, ओके लीडर मस्ट गिव अप टू गो अप, सुपर। श्वेता शर्मा जी लीडर मस्ट गिव अप टू गो अप एंड स्टे अप, है ना, ऊपर तो जाना है लेकिन ऊपर बने भी रहना है तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी भावना जी को सारा कुछ अच्छा लगा। मयूरी जी थैंक यू, ममता जी थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। कोई टॉपिक आप जो मुझसे सुनना चाहते हो नेक्स्ट, क्या टॉपिक मैं लेकर आऊं, आप लिख सकते हो इस पे, कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं लाइव लेकर आऊं वो बताइए मुझे, ताकि बस अगले 1 मिनट में हम अलविदा कह सके। गणेश कामले जी किंग मेकर, फैंटास्टिक, यानी कि आप सबके मन में किंग मेकर बनने की पहले दिमाग फिर दिल लगाना। वंदना शर्मा जी क्या बात है, यस, है ना, ये सबके लिए मैसेज है। पहले अपने बिजनेस में पूरा दिमाग लगाओ, पूरा तरह से समझ लो प्लान कैसा है, पैसे कैसे आते हैं, डेमो कैसे करते हैं, हर एक चीज को दिमाग लगा के। लेकिन एक बार दिमाग लगा लिया उसके बाद सिर्फ दिल लगाना है, उसके बाद दिमाग बंद, सिर्फ दिल लगाना शुरू करिए। यस फैंटास्टिक वंदना जी। और कोई किंग मेकर, मोहन तंवर जी, संजीव दास जी, अरे वेस्ट बंगाल से आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज इंटरनेट थोड़ा फिर बीच में दगा दे गया था तो हमको ये सेशन दोबारा शुरू करना पड़ा था, बट रवि शर्मा जी लव यू, हाँ जी शर्मा जी लव यू टू, बहुत ही बढ़िया, आई एम सेटिस्फाइड विद योर स्पीच। ओम प्रकाश जी सुपर डुपर, वेरी नाइस। फ्यूचर में काम कैसे करें है नेटवर्किंग पर, परवीन जी ओके, फ्यूचर में काम कैसे करना है, ओके। तो कोई टॉपिक हो तो वो बता सकते हैं आप मेरे को, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं दोबारा मैं आऊं, मुझे आप एक टॉपिक सजेस्ट करिए, सो दैट 101% शानदार। अरे रवि शर्मा जी क्या बात, हाउ टू कन्विंस पीपल हु आर वेल सेटल्ड इन द लाइफ, ओके फैंटास्टिक। हाउ टू कन्विंस वेल सेटल्ड, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी BMW ऑडी मर्सिडीज है, उनके पास उनको क्या बोल के कन्विंस किया जाए, उनके पास तो सब कुछ है, फैंटास्टिक। ओनली नेटवर्किंग, ओके फैंटास्टिक, ओनली नेटवर्किंग, फैंटास्टिक। प्रवीण मान जी हाँ जी, और कोई टॉपिक्स आ जाए, बस अंतिम 30 सेकेंड है मेरे पास, 30 सेकेंड और बचा है मेरे पास, 30 सेकंड में अगर कोई टॉपिक आता है, नहीं तो फिर आज के लिए। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, सोलापुर से लोग हैं, टीम बिल्डिंग, रोशन कुमार जी टीम बिल्डिंग, बिहार से रिक्वेस्ट आई कि टीम किस प्रकार बिल्ड की जाती है ना, आज आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार टीम कैसे बनाई जाए, बेस्ट हेल्थ कैसे जिया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो कंटिन्यू, कैसे रहे नेटवर्क में हमारे लीडर, ओके ओके, कैसे रहे नेटवर्क में हमारे लीडर, हाउ टू अप्रोच अ डॉक्टर एंड कन्विंस, हमारी सफिया चागला जी है मुंबई से, ओके टीम बिल्डिंग फैंटास्टिक। तो चलिए फ्रेंड्स आप करते रहिए, मैं बहुत जल्द ऐसे बहुत सारे क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ममता जी थैंक यू वेरी मच, यही मेरा मकसद होता है ना, कि आप लोगों को मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं, क्योंकि मेरा भी उस मिशन पे चल रहा हूं, किंग नहीं बनना है मेरे को, किंग मेकर बनना है। तो आप लोगों को किंग एंड क्वीन बनाने निकला हूं मैं, आप किंग और क्वीन बनोगे ऑटोमेटिक आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, कहीं ना कहीं जाने अनजाने 1% ही सही आपकी लाइफ में मैं अगर
एक परसेंट भी कंट्रीब्यूट कर पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द ऐसे किसी फेसबुक लाइव सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यानी भावना जी बहुत हैंडसम लग रहे, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड गुड आईएमसी। आप सबको आईएमसी बिजनेस की ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे ऐसे ही। मनाली जी थैंक यू वेरी मच, चौहान जी नमस्ते, थैंक यू।